गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? अब नया चैप्टर ले रहा है फैक्टरिंग। फैक्टरिंग न्यू सिलेबस से हटा दिया गया है, जो भी है ये पूरा की पूरा ओल्ड सिलेबस में मिलेगा। और फैक्टरिंग कुछ नया नहीं है, फैक्टरिंग सीए आईपीसीसी या सीए इंटर में आपने पढ़ा हुआ है, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं है। वैसे तो चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, लिखोगे फैक्टरिंग। और फैक्टरिंग के अंदर हमें दो बातें पढ़नी है, एक तो हमें निकालना है इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, और दूसरा जो पार्ट है वो पढ़ना है फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ फैक्टर। बस बेटी, दो पार्ट में काम करना। क्या क्या? एक तो इफेक्टिव कॉस्ट और फाइनेंशियल वायबिलिटी। सर फैक्टरिंग क्या होता है ये समझो। बेटे ये समझ लेते कि फैक्टरिंग क्या होता है। जैसे यार ये होती है हमारी बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में इधर से पैसा आता है, ठीक है, और हम उन पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। तो सर इन्वेस्ट कहां से करते हैं? इन्वेस्ट हम लैंड एंड बिल्डिंग में कर देते हैं, फिक्स्ड एसेट में। इन्वेस्टमेंट हम प्लांट एंड मशीनरी में कर देते हैं, ठीक है, और इसके अलावा वर्किंग कैपिटल में भी इन्वेस्ट होता है। स्टॉक में पैसा लगता है, इसके अलावा डेटर्स में पैसे लगते हैं, इसके अलावा हमको कैश भी रखना पड़ता है, ये हमको पता है। कभी पैसों की जरूरत पड़ी तो, मतलब सीधी सीधी बात बोल रहा हूं, यहां मेरा पैसा ब्लॉक होता है, ब्लॉक। कभी पैसों की जरूरत पड़ी तो लैंड एंड बिल्डिंग गिरवी रख के आप पैसे उधार ले सकते हो, प्लांट एंड मशीनरी भी गिरवी रख सकते हो, स्टॉक पे भी लोन मिल जाता है, और कैश तो हमारा है ही है। प्रॉब्लम जो है वो है डेटर्स। डेटर्स पे पैसा ब्लॉक हो गया। अच्छा सर, क्या डेटर्स को बेस लेके हम पैसे उधार ले सकते हैं किसी से? सर डेटर्स इतना कितना होता होगा बेटे? डेटर्स सोचो सोचो सोचो, एयरटेल कंपनी, एयरटेल कंपनी का पोस्ट पैड बिल। तो एयरटेल कंपनी में होता क्या है, इस पोस्ट पैड की मैं बात कर रहा हूं, मुझे तो इस महीने का पेमेंट अगले महीने देना है, फिर उस महीने का पेमेंट उसके बाद देना, तो मेरे तो डेटर्स एयरटेल में हमेशा डेटर्स खड़े रहेंगे, करोड़ों रुपए के डेटर्स। अब ये पैसा तो ब्लॉक हो गया, अब इससे क्या हम इन पैसे, पैसा ब्लॉक हो गया इससे क्या हम किसी से पैसे मांग सकते, उधार ले सकते? क्वेश्चन बस इतना है। तो आप क्या कर सकते हो, आप या तो बैंक के पास जाइए और बैंक से बोलिए कि मेरे पास 100 लाख रुपए के डेटर्स, मान लो 100 लाख, 100 लाख रुपए के डेटर्स से पैसे आने वाले, तो प्लीज बैंक आप मुझे उधार दे दीजिए। क्या मुझे बैंक उधार देगा? यस, दे सकता है। तो डेटर्स जो आपका पैसा ब्लॉक है उसके बिहाफ पर, उसको गिरवी रखकर, ऐसे बोल सकता हूँ, मैं बैंक से लोन ले सकता हूँ, हालांकि बैंक भी मुझे 80% 70% इतना ही कुछ देगा, और फिर मुझे डेटर से पैसा मिलेगा तो मैं बैंक वाले को पैसे वापस कर दूंगा, दैट्स इट। सर और क्या हो सकता? पैसा तो ब्लॉक हो गया, और क्या किया जा सकता? और भी किया जा सकता है बेटे, क्यों ना किसी पर्सन से बात करो। फिर से सुनना ध्यान से, किसी पर्सन से मैं बात करूं और मैं कहूं प्लीज यार ये जो डेटर्स है इस पे मुझे, डेटर्स का मतलब समझ रहे ना, मुझे लोगों से पैसे वसूल करना है, तो ये तो बाद में वसूल करना, पर अभी तो पैसा ब्लॉक हो गया ना, तो मैं किसी और पर्सन के पास जाऊं और उससे बोलूं कि प्लीज आप मुझे अभी पैसे दे दो, डेटर्स से जो पैसे आएगा आप रख लेना। ठीक है सर, तो बैंक जैसे ही हो गया? नहीं, मैं उनसे ये और कहूंगा कि भाई कलेक्शन का भी काम आप ही देखिए। सुनना, डेटर्स से पैसे मैं वसूल नहीं करूंगा, डेटर्स से पैसे आप वसूल करना, बदले में मुझसे कमीशन ले लेना, मेरा टेंशन खत्म हो जाएगा ना यार। पहले मैं जाता था डेटर से पैसे वसूल करने, अब मेरा टेंशन खत्म, सामने वाला जाएगा उसके बदले में, वो मुझसे
कमीशन ले लेंगे, और वो जो मुझे एडवांस देगा उसके बदले में इंटरेस्ट ले लेना भाई, टेंशन खत्म। इट मींस मैं एक ऐसे पर्सन की तलाश कर रहा हूं जो मेरे डेटर्स का कलेक्शन का भी काम करे, जो मुझे डेटर्स के को गिरवी रखकर पैसा भी उधार देते, जो मेरा पूरा की पूरा डेटर्स से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन का जितना खर्चा, इनवॉइस इश्यू वगैरह, वो सब कुछ वही संभाले, मेरा टेंशन खत्म, रिमाइंडर वो पहुंचाए, कलेक्शन वो करे, ठीक है। अच्छा, ऐसे पर्सन का नाम है फैक्टर्स। सर बैंक और फैक्टर्स में अंतर है? अंतर हो गया। बैंक से अगर मैं उधार लेता हूं तो बैंक मुझे मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, पैसा वसूली का काम बैंक नहीं करेगा, बैंक कहेगा भैया आप खुद पैसे वसूल करो और हमको वापस करो। जबकि मैं फैक्टर की सर्विस अवेल करता हूं तो क्या होगा, पैसे तो मुझे मिलेंगे जिस बैंक से, इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन कलेक्शन वगैरह सबका काम वही देखा, एडमिनिस्ट्रेशन का काम वही देखा, बदले में वो मुझसे कमीशन देगा, बस ये फैसिलिटी। तो मैंने डेटर से बात कर लिया, सॉरी फैक्टर से बात कर लिया कि फैक्टर आप वसूली वसूली आप ही करो यार, बस बहुत हो गया। लेकिन पैसा बाय चांस डेटर्स नहीं देता, बैड डेट्स हो जाते, तो बैड डेट्स किसके, फैक्टर के कि मेरे, तो इस मैटर पे बात करना पड़ेगा। एक होता रिकोर्स फैक्टरिंग, एक होता नॉन रिकोर्स। सर रिकोर्स का मतलब, रिकोर्स का मतलब फैक्टर्स कहेगा कि भाई बैड डेट्स हमारे नहीं, बैड डेट्स आपके, बात खत्म। मतलब बैड डेट्स कौन बियर करेगा, बैड डेट्स जो लॉसेस होता कौन, कंपनी खुद, अगर रिकोर्स है तो। और अगर नॉन रिकोर्स है तो बैड डेट्स मेरे, टेंशन खत्म, पैसा डूबा तो फैक्टर आप जानो भाई, आपका लॉस, मेरा तो बैड डेट सेविंग होने वाला। इट मींस अगर नॉन रिकोर्स बेसिस है तो मेरे सारे टेंशन खत्म हो जाएगा। हालांकि फैक्टर ज्यादा कमीशन वगैरह चार्ज करेगा वो अलग मैटर है। फिर से फैक्टर सर्विस कितने टाइप की हो सकती है, दो, रिकोर्स और नॉन रिकोर्स। रिकोर्स का मतलब, रिकोर्स का मतलब है कि फैक्टर कहेगा कि सुनो सब कलेक्शन वगैरह हम करेंगे, अगर पैसा डूबा तो कंपनी आप देखना भाई, हम बैड डेट्स बियर नहीं करेंगे। नॉन रिकोर्स का मतलब फैक्टर बोलेगा कि बैड डेट्स भी हम ही बियर करेंगे, दैट्स इट, बस कमीशन थोड़ा सा ज्यादा दे देना, ये नॉन रिकोर्स होता। ओके सर, ठीक है, बात समझ में आती है। हमें करना क्या है, बस हमें करना कुछ नहीं है। अगर हम फैक्टर से सर्विस अवेल करते हैं तो फैक्टर हमें एडवांस देगा, यस, इन डेटर्स पे लोन देगा। तो हमें फैक्टर से सर्विस अवेल करना चाहिए कि बैंक से लोन ले लेना चाहिए, ये सब देख लेना पड़ेगा। मतलब क्या ज्यादा अच्छा है यार, फैक्टर से सर्विस अवेल करे कि बैंक से लोन ले ले, तो फाइनेंशियल वायबिलिटी वगैरह चेक करना। दूसरा, फैक्टर से अगर मैं सर्विस अवेल करता हूँ, सर्विस लेता हूँ, तो मुझे कमीशन इंटरेस्ट वगैरह, मतलब मुझे कॉस्ट कितना पड़ेगा, इफेक्टिव कॉस्ट कितना पड़ेगा, तो ये मुझे सीखना, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग और फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ फैक्टरिंग, ठीक है जी सर। अच्छा, बस एक बात का जवाब दे दो, टेंशन खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन ये है, मान लो साल भर में 12 लाख रुपए का सेल्स होता है, ठीक है सर, एक साल में 12 महीने में 12 लाख रुपए का सेल्स हो रहा है, तो बता सकते हो ऑन एन एवरेज हर महीने कितने का सेल्स होगा। सर 12 लाख 12 महीने में, तो हर महीने में 1 लाख रुपए का सेल्स होता है, 1 लाख रुपए का सेल्स होता है, ठीक है। सवाल यह है कि हम लोगों को 1 महीने के लिए उधार देते हैं, 1 महीने का मतलब, 1 महीने का मतलब कितना है कि इस महीने माल बेचूंगा तो मुझे पैसा अगले महीने मिलेगा, ठीक है, ओके, मतलब एवरेज कलेक्शन पीरियड 1 मंथ है, इस महीने का पैसा अगले माह, इस महीने का पैसा अगले माह, सोच के बताना यहां क्या मुझे पैसे लेना बाकी है लोगों से, क्या डेटर्स है, हाँ, क्योंकि इस माह जो माल बेचा है इस मंथ में, इसका पैसा तो अगले महीने मिलेगा, तो यहां डेटर्स कितने के हैं, 1 लाख, यहां डेटर्स कितने के, सर पैसा तो मिल गया होगा बेटे, ये वाला मिल गया होगा, पर ये वाला फिर डेटर्स खड़ा है, यहां डेटर्स कितने के हैं, 1 लाख,
यहाँ डेटर्स कितने के? सर 1 लाख रुपए ही तो होगा। तो सीधी सीधी बात है, एवरेज डेटर्स ऐसे निकाला सकता है, 12 लाख इंटू 1/12 तो कितना आ गया? 1 लाख। क्रेडिट सेल्स। अच्छा, अगर ऐसा होता कि एवरेज कलेक्शन पीरियड 2 मंथ्स होता, हर महीने का 1-1 लाख रुपए, इसका मतलब होता है कि हर महीने का 1-1 लाख रुपए का क्रेडिट सेल्स तो है, लेकिन हम यहां जो माल बेचेंगे इसका पैसा 2 महीने बाद, यहां जो माल बिकेगा इसका पैसा 2 महीने बाद, यहां जो माल बिकेगा इसका पैसा 2 महीने बाद, इस तरह से काम होता है। सवाल यह है, यहां डेटर्स कितने के? सर 1 लाख। यहां डेटर्स कितने के? इस महीने का भी पैसा बाकी है और इस महीने का भी बाकी है, सर 2 लाख रुपए। यहां डेटर्स कितने के? आराम से सोच के बताना। सर यहां का तो मिल गया होगा पर ये 2 महीने के बाकी हो गए। यस, तो एवरेज डेटर्स आप आगे कोशिश करना, 2 लाख रुपए ही आएगा। ये कैसे निकलेगा? 12 लाख इंटू 2/12 तो कितना आ जाएगा? 2 लाख। इसका मतलब अगर मैं 1-1 महीने के लिए उधार देता हूं, मेरा पॉलिसी है 1 मंथ का, तो मेरा हमेशा के लिए 1 लाख रुपए ब्लॉक हो जाता है, हमेशा के लिए। अगर 2-2 महीने के लिए उधार देता हूं तो हमेशा के लिए 2-2 लाख रुपए ब्लॉक हो जाता है एवरेज डेटर्स। अगर 3 महीने के लिए तो 3 लाख। ठीक है, ठीक है सर। अब हम कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले आएगा इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री। हेडिंग डालोगे इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री। एक बार लिखवा देता हूं कि क्या क्या काम करना है और उसके बाद से हम काम स्टार्ट करेंगे। लिखोगे फॉलोइंग स्टेप्स आर अप्लाइड टू कैलकुलेट इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा नेट एडवांस टेकन। सर ये कैसे निकलेगा? बिल्कुल सिंपल है, सबसे पहले लिखोगे एवरेज डेटर्स। और ये कैसे निकाला जाता है? क्रेडिट सेल्स। एवरेज कलेक्शन पीरियड डिवाइडेड बाय 360 दिन ले लो या 365 डेज ले लो, अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एवरेज डेटर्स आ गए, माइनस हो जाएगा रिजर्व। इसको एक साथ ही कर देते और माइनस क्या हो जाएगा? कमीशन। जो आएगा अभी सोचने की जरूरत नहीं कि ऐसा क्यों करवा रहे हो, ये सब समझाऊंगा बेटे मैं आपको। माइनस होगा इंटरेस्ट, तो ये जो आएगा इसका नाम रहेगा नेट एडवांस टेक। ठीक है, ओके सर, आगे बोलो क्या करें। स्टेप नंबर 2,
और स्टेप नंबर टू में आएगा नेट कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री, नेट कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। तो इसमें सबसे पहले आएगा कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री। सर कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री में क्या लिखेगा, एक तो कमीशन, और एक इंटरेस्ट, और इसमें से माइनस करेंगे बेनिफिट ऑफ फैक्ट्री। और बेनिफिट क्या हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है हमारा सेविंग्स इन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, और नॉन रिकोर्स बेसिस पे होगा तो क्या जाएगा सेविंग्स इन बैड डेट्स। तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, ऐसे ब्रैकेट लगाऊं तो भी तो आपको खर्च पड़ेगा ही, और इस खर्च का नाम रहेगा नेट कॉस्ट ऑफ। ठीक है यहां तक जी। तो भाई पहली स्टेप में आपको करना पड़ेगा नेट एडवांस टेकन, दूसरे स्टेप में आपको करना पड़ेगा नेट कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। कुछ समझाया नहीं, ये समझाना सब कुछ बाकी है अभी। ओके जी सर। एंड लास्ट स्टेप, हालांकि वो स्टेप नहीं है, सीधा सीधा मैं लिख रहा हूं, ये जो निकलेगा ये निकलेगा इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग लास्ट। इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टर, और इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकाला जाता है, तो ऊपर आएगा नेट कॉस्ट ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाय नेट एडवांस टेकन इनटू 100। दैट्स इट। मतलब ये और ये हम स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर टू में ये कर लेंगे, और फिर फाइनली हम लोग इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग निकालेंगे। आठ नंबर का क्वेश्चन आता है, तो ये आठ नंबर के लिए हम काम करने वाले हैं। ज्यादा अच्छा मैं एक एग्जांपल करवाता हूँ, और उस एग्जांपल से हम एक एक बात समझिए। जो लिखा है ना, इसके लिए एक एग्जांपल लेके आपको सारी बात समझनी पड़ेगी, सारी बात फटाफट से समझ में आ जाएगी, और उसके बाद होगा फाइनेंशियल वायबिलिटी। ठीक है, तो एग्जांपल स्टार्ट। हाँ तो बच्चों एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा ना पूरी सारी सिचुएशन एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, तो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। एग्जांपल क्रेडिट सेल्स, सर क्रेडिट सेल्स कितने का, साल भर का क्रेडिट सेल्स होने वाला है 12 लाख रुपए पर है ना, मान लो ये कोई ग्रोथ नहीं है 12 लाख। सर क्रेडिट सेल्स के अलावा एवरेज कलेक्शन पीरियड ACP मान के चलो 3 मंथ्स। ठीक है, और सर बैड डेट्स भी होता है कि हाँ बेटे अभी मेरा पैसा डूब जाता,
बैट्स, कितना परसेंट? 1% बैट्स। ओके, और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस भी होते। ₹10,000 पर, ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ रही है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस फैक्टरिंग प्रपोजल, अगर मैं फैक्टर से सर्विस अवेल करता हूं तो क्या प्रपोजल? रिजर्व, ट्वेंटी परसेंट, कमीशन 4%, इंटरेस्ट 18% पर है, कैलकुलेट। इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ एक्शन, बिल्कुल धीरे 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 बात को समझना। अब मैं कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं जिससे बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी। बस मेरी बात ना आप अपने तरफ से मत जोड़ रहे, मेरी बात सुनते जाना, सुनते जाना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सच मानते हुए चलना। ओके सर, ठीक है बेटे। होता क्या है, मैं एक इंस्टीट्यूट में अभी पढ़ा रहा हूँ, इंस्टीट्यूट मतलब मेरा खुद का है। ओके सर, ठीक है। अब खुद का इंस्टीट्यूट है तो मेरी जो बैच है ना वो 3 महीने में खत्म हो जाती है। अच्छा सर, जैसे आज से स्टार्ट हुई तो 3 महीने में खत्म, फिर स्टार्ट होगी तो फिर 3 महीने में खत्म, फिर स्टार्ट होगी तो फिर 3 महीने में, और फिर 3 महीने, ठीक है। तो मेरी जो बैच है वो 3 3 महीने की है, तो इस हिसाब से एक साल में कितनी बैचेस चलती होगी? 4 बैचेस। हालांकि हर बैच कितने की है सर? हर बैच मेरी 3 लाख रुपए की एक बैच है। उस हिसाब से ₹12 लाख की बैच बनती है। ओके सर, 3 लाख की एक, 3 लाख की एक, 3 लाख की एक, 3 लाख, 12 लाख रुपए की मेरी एक बैच से मुझे टोटल साल भर में, 12 लाख रुपए आता है। एक बैच से 3 लाख रुपए आता है। अब होता क्या है, जैसे यहां बैच स्टार्ट हुई, यहां तो मैं पैसा यहां एडवांस नहीं लेता बच्चों से। एक बार बैच खत्म हो जाए उसके बाद बच्चे आप मुझे यहां पैसे दे देना, ठीक है? ओके सर, बात समझ में आती है। हम बच्चों से कभी भी एडवांस में पैसे नहीं लेते हैं। हम लोग बच्चों से बैच स्टार्ट होती तब पैसे नहीं लेते, बैच खत्म होने के बाद पैसे लेते। तो देखा जाए तो यहां मेरा 3 लाख रुपए ब्लॉक हो गए। फिर जब यहां बैच स्टार्ट होगी तो इसका पैसा कम मिलेगा, उसके बाद मिलेगा। ये अभी मेरा चल रहा है, अभी काम इस तरह से काम चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हर बार मेरा 3 लाख रुपए मिलता तो है लेकिन लास्ट में मिलता, पैसा तो ब्लॉक हो जाता तुरंत में। ओके, मतलब हर बार मेरे 3 3 लाख रुपए डेटर्स होते हैं। या फिर ऐसे बोलो, मेरा कलेक्शन पीरियड 3 माह है। आज से बैच स्टार्ट करो लेकिन पैसे आपको 3 महीने बाद देना, तो एवरेज कलेक्शन जो है वो 3 महीने बाद ही होता है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। तो मैं परेशान हूं, 3 3 लाख रुपए मिलता तो है पर लास्ट में मिलता, मतलब मेरा ब्लॉक हो जाता 3 लाख रुपए। एक तो वो सर, पैसे कौन वसूल करता है? पैसे
पैसे मैं वसूल नहीं करता ना, तो रिसिप्ट काट के भी मैं नहीं देता। मतलब होता है ना यार, सर हमको इनवॉइस तो दे दीजिए, हमने फीस पेड किया है नहीं किया है, या बच्चों को बोलना है फीस पेड कीजिए, ऐसा वो मैं नहीं करता। मैंने एक लड़का रख रखा है, वो खुद ही जाके बोलता है बच्चों को कि आपको फीस जमा करना है, ये करना है, वो करना, बहुत सारी चीजें। हालांकि उस पर भी खर्च होता है, मेरा 10,000 रुपये साल भर का खर्च हो जाता है उस लड़के के पीछे, पेमेंट मिला के, उसका सैलरी मिला कर। अच्छा सर, ये बात है। हाँ और भी सुनो, पैसे भी डूब जाते हैं, बैच खत्म होती है, कुछ बच्चे पैसे नहीं देते हैं। तो मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लग रहा, पास्ट एक्सपीरियंस के 1% मेरा डूब ही जाता। अब कौन डूबेगा भाई, कौन जाने, तो 1% डूब भी जाता है। तो देखा जाए तो यार मैं परेशान हूँ, दिख रहा है आपको, एक तो पैसा भी लास्ट में मिलता है, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन भी करना पड़ता है, उस लड़के को सैलरी देना पड़ता है, हालांकि 10,000 रुपये पर महीना है, ज़्यादा महंगा नहीं है, और पैसा भी डूब जाता है 1%। यहाँ तक ठीक ठाक काम चल रहा है। अब हुआ क्या, एक दिन कुछ लोग आए, बोलते आप ये सारा काम आप ही संभालते हो। मैंने कहा मैं ही संभालता। बोले आप कुछ मत करो, बोले फीस हम वसूल करेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, पैसे सब वसूल करेंगे, बच्चों से हम ही बोलेंगे, हमें सब सब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। मैंने कहा वाह, मैंने कहा इससे मेरा फायदा क्या भाई। वैसे तो भाई ये लड़का बोले अगर पैसा डूबा तो वो आपका नहीं डूबेगा, वो जो आए थे ना वो बोल रहे पैसा हमारा डूबेगा, टेंशन मत लो। मतलब जो पैसा डूबा आप बैड डेट्स का टेंशन ही खत्म कर दो, हम एक एक पैसा वसूल करके देंगे, बात खत्म। वाह यार, इससे अच्छा काम खत्म। इसका मतलब है कि कुछ लोग आए, उनको मैं फैक्टर्स बोल दूंगा, और वो मुझसे बोल रहा है कि पैसा का कलेक्शन हम करेंगे, आपके बच्चों को रिमाइंडर हम देंगे, आपके बच्चों से को बिल हम इश्यू करेंगे, सारा काम हम ही करेंगे, आप बस आइए पढ़ाइए जाइए, दैट्स इट। मैंने कहा यार टेंशन खत्म। मैंने कहा बदले में क्या लोगे, बोले बदले में बस कमीशन दे देना, बात खत्म। और कमीशन सिर्फ कितना, 4%। लेकिन अगर मैं फैक्टर की सर्विस अवेल करता हूं तो मेरा कुछ फायदा भी तो है। क्या फायदा है, एक तो बैड डेट्स का टेंशन खत्म। ओके सर। और वो लड़का जो था उसको मैं कहूंगा भाई बाय, तो मेरा 10,000 रुपये ये भी बचेगा। ओके, पर एक बात है, मुझे कमीशन देना पड़ेगा क्योंकि कलेक्शन का काम वो कर रहा है। ठीक है सर, यहां तक तो बात समझ में आई, अब आगे क्या है, अब सुनना बेटे, अब इंपॉर्टेंट बात है। मैंने कहा भाई एक बात बताऊं, जैसे बैच स्टार्ट हुई यहां से, बिल्कुल ध्यान से सुनना, यहां से बैच स्टार्ट हुई, तो मैंने कहा यार पैसा कब वसूल करोगे, बोले 3 महीने बाद। और मैंने कहा पैसा वसूल करके दोगे, बोले हाँ बिल्कुल। मैंने कहा भाई अगर मुझे अभी घर चलाना है, पैसा तो मेरा ब्लॉक हो रहा है, अभी घर चलाना है, अभी पैसे कहां से आएंगे, कुछ एडवांस तो दे दो। फिर से बोल रहा हूं, मैं फैक्टर से कह रहा हूं, ठीक है आप कलेक्शन कर रहे हो 3 महीने बाद, बहुत अच्छी बात है, पर मैं घर कैसे चलाऊं, मुझे तो अभी पैसा चाहिए। हालांकि आपको जो पैसा है वो 3 महीने बाद मिल ही जाएगा, पर मुझे तो अभी पैसा चाहिए ना, मुझे एडवांस तो दीजिए। और फैक्टर्स पक्का मुझे एडवांस देगा, लेकिन सुनो कितना रुपए एडवांस देगा, क्या 3 लाख रुपए की बैच है तो 3 लाख की 3 लाख एडवांस देगा, नहीं, वो मुझे कुछ परसेंटेज काट कर एडवांस देगा। कहेगा कि नहीं नहीं भैया पूरा एडवांस नहीं दे सकते, वैसे भी आप बैंक लोन लेते तो पूरा आपको नहीं मिलता, हम आपको 80% या 70% जो भी होगा वो आपको देंगे, बाकी हम रिजर्व रखेंगे, और ये भी पैसा मिलेगा आपको लेकिन लास्ट में मिलेगा, ठीक है। इट मीन्स मुझे फैक्टर्स एडवांस भी दे सकते अगर मुझे चाहूंगा तो, पर पूरा अगर जितने के रेट से उतना एडवांस नहीं मिलेगा, उसका कुछ परसेंटेज मिलेगा, बाकी रिजर्व रहेगा, और फैक्टर वो बाद में वसूल करके मुझे दे देंगे, बात अलग है। और इस एडवांस के बदले में वो मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है सर। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं फैक्टर से सर्विस अवेल करता हूं तो क्या क्या खर्चा आएगा, कमीशन लगेगा, क्यों, क्योंकि फैक्टर क्या क्या काम कर रहा है, कलेक्शन वलेक्शन का काम कर रहा है। दूसरा मुझे इंटरेस्ट लगेगा, क्यों, क्योंकि फैक्टर अगर एडवांस देगा तो इंटरेस्ट भी लगेगा। मेरी बचत क्या होगी, सेविंग्स क्या होगी, बैड डेट्स का खर्चा बढ़ जाएगा अगर फैक्टर नॉन रिकोर्स बेसिस है तब, और एडमिनिस्ट्रेशन का तो बचेगा ही बचेगा। तो कुछ खर्चे भी हो गए, कुछ बेनिफिट भी है, तो नेट कितना कॉस्ट पड़ रहा है ये मुझे निकालना है, ठीक है। मैं आपको समझाते जाता हूँ काम में। तो सबसे पहला काम कर रहा है स्टेप नंबर 1,
एडवांस टिकन। एवरेज साल भर का क्रेडिट सेल्स कितना? 12 लाख। तो 12 लाख इंटू 3/12 एवरेज डेटर्स कितना आ गया सर? 3 लाख। पक्का 3 लाख रुपए की बैच। अब सवाल यह है कि मुझे एडवांस कितना मिलेगा? तो मैं फैक्टर के पास गया, मैंने कहा भैया 3 लाख रुपए तो दो। उन्होंने कहा नहीं, रिजर्व रखेंगे हम, एडवांस इतना देते नहीं, जितने कल को आप भाग गए कुछ हो गया प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, माइनस क्या होगा? रिजर्व कितना परसेंट? रिजर्व 20%, मतलब एडवांस मुझे तो 80% है, तो 3 लाख का 20% कितना होता? 3 लाख का 20% 60,000। हमने कहा ठीक है जी, 3 लाख तो नहीं दे पा रहे, 60,000 रुपये रिजर्व रखना चाहते तो रखो, कोई बात नहीं, बाद में ले लेंगे 60,000। तो कम से कम आप 2,40,000 तो दे दीजिए, बात खत्म। उन्होंने कहा भाई हमारा कमीशन। मैंने कहा आपका कमीशन सुनो, आपका कमीशन तो लास्ट में है ना जब पैसा वसूल करोगे। बोले नहीं, हमारी पॉलिसी है कि हम कमीशन एडवांस में ही ले लेते हैं, अप फ्रंट बोलते इसको, अप फ्रंट। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो मैं अप फ्रंट एज्यूम कर लूंगा। फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं कि कमीशन अप फ्रंट है कि एरियर्स है, मतलब बाद में देना है, तो मैं अप फ्रंट टचिंग करूँ। तो मैंने कहा भाई कमीशन के लिए पैसे कहाँ है मेरे पास? तो बोले ठीक है ना, जो एडवांस है ना, एडवांस उसी में से हम कम कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा 2,40 नहीं दोगे? बोले 2,40,000 नहीं मिलेगा, उसमें से हम अपना कमीशन भी काटेंगे। मैंने कहा ठीक है जी, काट लो। कितना परसेंट? 4%। मैंने कहा 4% किस पे काटोगे? बोले जितने का हम कलेक्शन करेंगे, और नो डाउट कि हमको 3 लाख रुपए का कलेक्शन करना है, तो हम उतना तो काटेंगे ही काटेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो भी काट लीजिए, माइनस कमीशन 3 लाख का कितना परसेंट बेटे? 4%। चलो भाई कमीशन भी गया, 3 लाख का 4%, 12,000 रुपए कमीशन लग गया। होने का अब हमको मिलने वाला 3 लाख माइनस 60,000 माइनस 12,000, अब हमको मिलने वाला है 2,28,000। हम बहुत खुश है। हमने कहा चलो जी 2,28,000 तो दे दीजिए, कम से कम इतना एडवांस तो बनता ही है हमारा। अब उनका ये कहना है कि साहब हम एडवांस दे रहे हैं, वैसे तो ये आपका जो पैसा है हमको 3 महीने बाद देना चाहिए। सुनना ध्यान से, वो क्या बोल रहा है, हम बच्चों से कलेक्ट करेंगे 3 महीने बाद, तो आपको भी हम पैसे देंगे 3 महीने बाद, क्योंकि आपको प्रॉब्लम है, आपको एडवांस चाहिए, तो उस एडवांस पे इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। मैंने कहा सुनो सर, इंटरेस्ट देना है तो वो तो लास्ट में देंगे ना हम, 3 महीने बाद खत्म हो जाएगा तो मुझसे इंटरेस्ट ले लेना। बोले नहीं, हमारी पॉलिसी है कि हम इंटरेस्ट भी एडवांस में ही कलेक्ट करते, मतलब इंटरेस्ट भी हम एडवांस में ही चार्ज करते, अप फ्रंट बोलते। सर ये तो टेक्निकली गलत है, बैंक वाले से भी लोन लोगे तो इंटरेस्ट तो लास्ट में देते हैं। हाँ बेटे, लेकिन भाई फैक्टर का एग्रीमेंट है ऐसा कि इंटरेस्ट भी अप फ्रंट ही। ओहो, अगर सर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो मैं अप फ्रंट मान के चलूंगा। गलत बात, ये थोड़ा सा गड़बड़ लगता, लेकिन बेटे क्या करे, मजबूर है। माइनस अब मुझसे इंटरेस्ट भी लिया जाएगा, फैक्टर जो एडवांस रुपए बनता है उसका इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट किसका? 2,28,000 रुपए मुझे मिलने वाला है, इसका इंटरेस्ट का रेट कितना? 18%। कितने मंथ का? 3 महीने का इंटरेस्ट, क्योंकि इतना मुझे मिल रहा है, इसका 18% पर है ना, मैं 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा। 2,28,000 इंटू 18% इंटू 3/12, इंटरेस्ट हो गया 10,260।
तो मैंने अब तो दे दो, बोले बिल्कुल अब आप इतना पैसा ले जा सकते हैं। तो मुझे मिल रहा है 217740, ठीक है। इसका नाम क्या है? नेट एडवांस टिकन, स्टेप नंबर टू। नेट कॉस्ट फैक्टर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बस बिल्कुल ध्यान से समझना, इसमें इतना कंफ्यूजन है बच्चों को। सीधा सीधा कॉस्ट क्या लग रहा है? कमीशन लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है, कमीशन और इंटरेस्ट, कमीशन और इंटरेस्ट। सेविंग्स किसका हो रहा है? बैड डेट्स का और एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा। बस इतना कि मैं कुछ चीजें बोल रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना, गड़बड़ कभी नहीं होगा, बिल्कुल ध्यान से समझना बेटे, इसमें दिक्कत है थोड़ा सा। मन से बोल रहा हूँ, सोच समझ के बोलना, मन से। इस एग्जाम्पल से कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल ध्यान से समझना। मैंने ना यार पैसों की ज़रूरत है, बैंक के पास गया, मैंने कहा बैंक बैंक मुझे पैसे उधार चाहिए। बोले कितना? मैंने कहा 3 लाख रुपए। बोले पैसे कैसे वापस करोगे? मैंने कहा 3 महीने बाद पैसा आएगा, मैं वापस कर दूंगा। बोले अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और बैंक तैयार हो गया, बैंक कहता ठीक है भाई, 12% के हिसाब से हम आपको 3 लाख रुपए दे देंगे, और आप 3 लाख रुपए कब वापस करोगे? 3 महीने बाद, ठीक है, क्योंकि मुझे लेटर से पैसे मिल जाएंगे। मैंने कहा इस एग्जाम्पल से कोई लेना देना नहीं है, मैं अलग से डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। मैं गया बैंक के पास, आज 3 लाख रुपए लिया, कितने परसेंट पर एनम के हिसाब से? 12% पर एनम, और 3 लाख रुपए यहाँ वापस कर दिया, दैट्स इट। क्या बैंक वाला मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा? हाँ। फिर एक दिन बाद फिर वापस गया और फिर 3 लाख रुपए लिया और फिर यहाँ वापस कर दिया, फिर 3 लाख रुपए लिया, फिर यहाँ वापस कर दिया, और फिर 3 लाख रुपए लिया, फिर यहाँ वापस कर दिया। तो अब क्वेश्चन ये हुआ कि साल भर मेरा बैंक पर कितना रुपए उधार रहा? फिर से सर 12 लाख। बेटे 12 लाख रुपए नहीं, 3 लाख रुपए। सोचो सोचो, 3 लाख रुपए यहाँ उधार लिया था, यहाँ वापस कर दिया, फिर अगले दिन 3 लाख रुपए लिया, मतलब साल भर मुझ पर, मैं क्या बोलूं कि मुझ पर लोन कितना है? 3 लाख रुपए ही तो है, 12 लाख तो किसी भी एंगल से नहीं है। ओके ठीक है ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या मुझे बता सकते हो साल भर मैंने बैंक को कितना इंटरेस्ट दिया होगा? सर पहले 3 माह का 3 लाख का 12% दिया होगा, 3 लाख का 12%, 3 लाख इंटू 12% इंटू 3/12, सर 9,000 रुपये यहाँ इस पीरियड का दिया होगा, 9,000 इस पीरियड का दिया होगा, 9,000 इस पीरियड का दिया होगा, और 9,000 इस पीरियड का दिया होगा। तो टोटल मिलाकर मैंने कितना इंटरेस्ट दिया? टोटल 9 9 इंटू 4, सर टोटल मिलाकर आपने 36,000 रुपये इंटरेस्ट दिया, और मिर्च पे कितना आउटस्टैंडिंग रहा है? 3 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग रहा है। तो क्या परसेंटेज बता सकते हो? 36,000 / 3 लाख × 100, 12%। सीधी सी तो बात है भाई, मैं आपसे यही बोल रहा हूं ना, साल भर का इंटरेस्ट है 3,36,000, और साल भर मैंने बैंक से लोन कितना मुझ पे आउटस्टैंडिंग रहा? 3 लाख। तो उस 3 लाख रुपए जो था उसके पीछे तो मुझे 36,000 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ा, तो परसेंटेज कितना आया? 12%। सेम सिचुएशन यहां, हम लोग जो फैक्टर से पैसे ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं? 217740, कितने पीरियड के लिए? तो मैं फिर से बता रहा हूं, अब मैं क्या करूंगा, यहां पीरियड क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा 217740, इतना उधार लूंगा, फिर पैसे यहां कलेक्ट हो जाएंगे, फिर 217740, फिर यहाँ पैसे कलेक्ट हो जाएंगे, फिर मैं उधार ले लूंगा,
फिर यहां पैसे कलेक्ट, 3 दिन माह की बैच है ना बेटे, तो वो लोग फैक्टर से पैसे कलेक्ट कर लेंगे। इट मीन्स ये जो मेरे ऊपर आउटस्टैंडिंग रहेगा फैक्टर्स का मुझ पर, वो 3 महीने के लिए रहेगा कि साल भर के लिए? 1 साल के लिए, हालांकि वो साइकिल घूमते रहेगा। ठीक है, अब ये जो कमीशन वगैरह है, मैं 3 माह 3 माह 3 माह 3 माह फिर सबको ऐड, जैसे ही ऐड किया था ऐसा ना करके सीधा यहां साल भर का ही ले लूं, बात खत्म। बात समझ में आ रही है? ये कब का निकला? दिख तो रहा 3 महीने का, लेकिन है तो पूरा साल भर का आउटस्टैंडिंग। ओके सर, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले एक बात बताऊं, सबसे पहले नेट कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग में मैं लिखने जा रहा हूं कॉस्ट ऑफ फैक्टर। कॉस्ट ऑफ फैक्टर, और कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री में क्या लगने वाला? कमीशन। है कितना? 12,000। कितने मंथ का? 3 महीने का, तो 12 महीने का कितना? इंटू 4 भी तो कर सकते थे, जैसे 9,000 9,000 9,000 9,000, तो 4 कर लिए ऐसे। सर अब पर एनम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बेटे, 12,000 डिवाइडेड बाय 3 × 12, तो कमीशन आ गया 48,000 पर एनम। और क्या लग रहा है सर? कमीशन तो आप ऐसे भी तो निकाल सकते थे, अल्टरनेटिव टोटल 12 लाख का निकाल लीजिए। अच्छा, अगर सर सीधा आप 12 लाख का 4% निकालते तो भी क्या यही आंसर आता? क्योंकि आप 1 साल का निकाल रहे हैं। चेक कर लेते हैं, 12 लाख का 4%, 48,000, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम ऐसा भी कर सकते थे। ठीक है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है? 10,260 पर ये कितने मंथ का? 3 मंथ का, तो 12 मंथ का कितना? 10,260 डिवाइडेड बाय 3 × 12, तो ये इंटरेस्ट आ गया 41040। हाँ जी, जल्दी जल्दी बताना बेटे। अगर मैं फैक्टर से एडवांस लेता हूं तो उनकी सर्विस अवेल करता हूं तो मुझे कमीशन देना पड़ेगा 48,000, और मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा 41040। कितना? 3 महीने का है कि 1 ईयर का है? पूरा 1 साल का। ठीक है यहां तक? ओके सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये भी 1 साल का, ये भी 1 साल का। कुछ फायदे भी हैं जिसको मैं बोलूंगा बेनिफिट ऑफ फैक्टर। क्या फायदे हैं? सेविंग्स इन, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। बोलो बेटे कितना? 10,000 रुपये बच जाएगा, ये भी पूरे 1 साल का। 10,000 और सेविंग्स इन बैडेट्स, बैडेट्स कितना है? 1%। किसका निकालो सर? 3 लाख का। बेटे सुन, ध्यान से सोचोगे ना बात समझ में। हर बार बैच बन रही है 3 लाख, तो 3 लाख का 1% डूबेगा, 3 लाख का 1% डूबेगा, 3 लाख का 1% डूबेगा, हर बार तो 3 3 लाख की है ना, तो सीधा 12 लाख का 1% करो ना भाई, पूरे 1 साल का देख रहा हूं मैं तो। ये 12,000 रुपए का मेरा ये भी फायदा है, तो भी मेरा कितना पैसा लगेगा? कमीशन का मुझे देना है 48,000 प्लस 41040 इंटरेस्ट का माइनस 10,000 माइनस 12,000, तो भी मुझे 67040 लगना। दिस इज नेट कॉस्ट ऑफ फैक्टर।
ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 9000 9000 9000 9000 आया था, या याद करो ये सब मिला के मैंने 36000 लिखा था। कोई बात नहीं, यहाँ बेस हो जाएगा 217740, क्योंकि साल भर मेरे पे इतना पेंडिंग रहेगा। फैक्टर जो है मुझे यहाँ एडवांस देगा, यहाँ उसे कलेक्ट हो जाएगा, फिर मेरी बैच स्टार्ट होगी तो फिर मुझे एडवांस देगा, उसको यहाँ कलेक्ट हो जाएगा, तो साल भर मुझ पर एडवांस इतना चलता रहेगा। और साल भर का कॉस्ट कितना आया, 67040। तो परसेंटेज कि अगर मुझे इतना एडवांस मुझ पर बकाया रहता पूरे एक साल, और उस पर मुझे इतना रुपए इंटरेस्ट या कॉस्ट देना पड़ता, इफेक्टिव कॉस्ट, तो मेरा परसेंटेज में बताओ कितना कॉस्ट पड़ेगा, वो तो निकाल सकते हो। बच्चों को जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बस एक ही जगह है, क्योंकि गलत इंटरप्रिटेशन है कि सर ये तो आपने एडवांस 3 मंथ्स का निकाला है, पर जो कॉस्ट है ये एक साल का लिया। नहीं भाई नहीं, ये 3 मंथ का निकाला है, पर हर 3 महीने, 3 महीने का एक बार एक फर्स्ट 3 मंथ का निकाल लिया, और फिर मैंने कहा कि यही तो आगे भी पूरा रिसाइकल होगा, यही आगे भी चलता रहेगा, तो ये हो गया पूरे एक साल का, ठीक है। और ये कॉस्ट ये भी पूरे एक साल की है, तो इफेक्टिव कॉस्ट निकल सकती है। तो बस वही काम कर रहे हैं हम लोग, क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री। और इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग का फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, नेट कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग डिवाइडेड नेट एडवांस टेकन इन 200। नेट कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग आ रहा है ₹67040, ये आ रहा 217740 into 100। 67040 डिवाइडेड बाई 217740 into 100। तो बेटे ये पड़ रहा है हमको 30.79% पर एन, कि अगर फैक्टर से सर्विस अवेल करे तो जो कॉस्ट है वो पड़ रहा 30.79% एडवांस मिल रहा है, हमारा टेंशन भी खत्म हो रहा है। अब इसका कंपैरिजन हम बैंक वाले से कर लेंगे कि बैंक से अगर लोन लेते मान लो इतना ही 80% ही मिलता जो भी हो, तो कितना कॉस्ट पड़ता, और पता लग रहा कि वहां मिल रहा है आपको 15% पे और यहाँ 30% है, तो भाई बैंक वाले को कहेंगे कि आप ही के पास जाते यार, फैक्टर से क्यों सर्विस अवेल करें, क्योंकि सब कुछ ले लिया हमने, बैड डेट्स का सेविंग लेने के बावजूद भी इतना कॉस्ट पड़ रहा हमको। अगर बैंक से अगर मुझे जो इंटरेस्ट है वो 35% पड़ रहा, तो मैं कहूंगा भाई बैंक बाय बाय फैक्टर सर्विस अवेल, तो कंपेरिजन करेंगे वो बाद में फाइनेंशियल वायबिलिटी चेक करेंगे। अभी हमारा काम है कि हम इफेक्टिव कॉस्ट निकाल रहे हैं। 3 स्टेप में काम होगा, पहला नेट एडवांस टेकन, दूसरा नेट कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, और तीसरा इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। बस मन में एक बात डाल लेना, ये जरूर आपको पीरियोडिकल लग रहा है पर ये है तो पूरे पर एनम, क्योंकि ये घूमते रहते हैं, इसलिए ये कॉस्ट है ये पर एनम बेसिस पे निकाली जाती है। तो ये एक मेथड है फैक्टरिंग का, और इस पर हमें क्वेश्चन बनाना है। तो अभी आपने ये काम किया, अगली क्लास में आप क्वेश्चंस बनाओगे एग्जाम के, तो ये हो जाएगा मेरा पूरा इफेक्टिव कॉस्ट, और फिर क्या करने वाले हम फाइनेंशियल वायबिलिटी, दैट्स इट, ठीक है। हाँ जी बच्चों, तो फैक्टरिंग जो है वो कॉन्सेप्ट किया आपने, कॉन्सेप्ट तो हो गए, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिस मैनुअल के ही क्वेश्चन उठाए हैं मैंने, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूँ। और खास बात है कि जो प्रैक्टिस मैनुअल में सीक्वेंस है ना क्वेश्चन नंबर का, सेम सीक्वेंस मेरी बुक में मिल जाएगा आपको। तो सर पहले कौन सा क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 1,
स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 1। कैपिटल वेस्टिंग, लीजिंग, डिविडेंड और डिविडेंड के बाद फैक्ट, ये सब ओल्ड सिलेबस से रिलेटेड। लिखा ए लिमिटेड हैज अ टोटल सेल्स 3.2 करोड़। ठीक है, सेल्स दिया है, याद रखना क्वेश्चन में कुछ ना दिया जाए तो जो भी सेल्स होगा उसको हम कौन सा सेल्स मानेंगे, क्रेडिट सेल्स। ओके, तो एनुअल सेल्स दे रखा 3.2 करोड़, एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया 90 डेज, तो हम एवरेज डेटर्स निकाल सकते हैं। द पास्ट एक्सपीरियंस इंडिकेट दैट बैड डेट्स लॉसेस 1.5% ऑन सेल्स। ठीक है भाई, सर रिकॉर्ड्स की नॉन रिकॉर्ड्स, नॉन रिकॉर्ड्स, नॉन रिकॉर्ड्स का मतलब हमारे पास सामने वाला फैक्टर्स बैड डेट्स कौन बियर करेगा, फैक्टर खुद करेगा। अगर हम फैक्टरिंग एजेंसी को अपना दे दे काम, तो सुनना फैक्टरिंग एजेंसी को दे दे तो बैड डेट्स उनके, भाई हमारा बैड डेट्स बच जाएगा। अगर बैड डेट्स पहले से होता है तो देखते हैं क्या हो रहा है, बैड डेट्स तो हो रहा है। अगर हम फैक्टर को सर्विस अपनी दे दे, फैक्टर हमारी सर्विस अवेल कर दे, तो पक्का पक्का हम हमारा बैड डेट्स बचेगा। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फर्म इन एडमिनिस्ट्रिंग इट्स रिसीवेबल कलेक्शन, मैनेजमेंट का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैनेजमेंट कितना, 5 लाख रुपए का खर्चा है। अ फैक्टर इज प्रिपेयर टू बाय फर्म रिसीवेबल ऑन अ नॉन रिकोर्स बेसिस, नॉन रिकोर्स बेसिस, नॉन रिकोर्स का मतलब मैं फिर से बोल रहा हूं बैड डेट्स किसके, फैक्टर्स के। ठीक है, कमीशन कितना चार्ज कर रहा है, वो 2%। अ फैक्टर विल पे एडवांस, और एडवांस कितना दे रहा है, तो एडवांस 18% इंटरेस्ट पर एडवांस दिया जा रहा है, 90% बोल रहा है, विथ होल्डिंग 10% एज रिजर्व। कैलकुलेट द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ एक्टिंग टू द फर्म एज्यूमिंग 360 डेज इन अ ईयर। चलो स्टार्ट करते हैं, तो मेरे साथ साथ लिखोगे, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। तो पहले स्टेप में क्या होगा, स्टेप नंबर 1, सर स्टेप नंबर 1 में क्या होगा जरा देखते, स्टेप नंबर सबसे पहले क्या निकालेंगे, नेट एडवांस टेकन, नेट एडवांस टेकन। तो सबसे पहला एवरेज डेटर्स ले लेते हैं, थ्री पॉइंट टू करोड़ सर, 320 लाख, ओके, इनटू एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना चेक करो बेटे, एवरेज कलेक्शन पीरियड है 90 डेज, तो 90 और एक साल में 365 दिन होता है, पर क्वेश्चन में बोला है कि 360 लेना, तो 320 लाख इंटू 90, एवरेज डेटर्स आ गए 80 लाख। अब इसमें से सबसे पहले क्या माइनस कर दीजिए, रिजर्व कितना, 10%, तो कितना जाएगा, 8 लाख रुपए। सर और क्या माइनस करेंगे, और माइनस कर दो बेटे कमीशन, और मैं आपको बता चुका हूं कमीशन किस पे लगेगा, कमीशन लगेगा 80 लाख। चेक करो कमीशन, कमीशन तो कलेक्शन पे होता है, कमीशन है 2%, 80 लाख का 2%, 1,60,000। तो नेट बैलेंस कितना आ गया, 80 लाख माइनस 8 लाख माइनस 1,60,000, ये आ गया 70,40,000। अब भाई हमको इंटरेस्ट भी माइनस करना पड़ेगा, अपफ्रंट मान के चल रहा हूं इंटरेस्ट कितने पे लगेगा, 70,40,000।
चेक करो फैक्टर्स कितना परसेंट, 18% इंटरेस्ट लेगा, कितने दिन का, 90 डिवाइडेड बाय 360, तो इंटरेस्ट आ गया 316800, तो नेट एडवांस टेकन आ गया। तो ये आ गया रुपीज 672320। तो स्टेप नंबर वन तो हो गया, स्टेप नंबर टू में क्या करना है? तो स्टेप में और मुझे क्या निकालना, कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री, नेट कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री, कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री बोलना ठीक नहीं है, नेट कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री, नेट कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग में चलो भाई पहले कॉस्ट लिख ले फिर बेनिफिट माइनस। कॉस्ट क्या दिख रहा है, कमीशन एनुअल लेना हमको पूरा की पूरा, एक लाख 60,000 है 90 डेज, तो 360 दिन का कितना, 6,40,000। सर 6,40,000 तो सीधा भी निकल सकता है, यस। अगर मैं 320 लाख, सुना रिजर्व भी है, वो रिजर्व माइनस करने के बाद मैं सीधा सीधा काम करूंगा तो भी निकाल सकता हूँ, पर फिर भी ठीक है मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ। सर इसका मतलब, इसका मतलब बिल्कुल सीधा, मैं 320 लाख का 2% निकालूं तो क्या सीधा आ जाएगा, चेक कर लो, 320 लाख का 2% 6,40,000। आप डायरेक्ट भी टोटल में भी ले सकते हैं। खैर कमीशन के बाद सर और क्या आता है, कमीशन के बाद और फैक्टर हमसे कॉस्ट क्या लेगा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है भाई, 316,800, ये है 90 डेज का, तो 360 डेज का कितना, 12,67,200। तो भाई फैक्टर्स को हमें एक तो कमीशन देना पड़ेगा और क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन कुछ फायदे भी है। फायदे क्या है, सेविंग्स इन बैड डेट्स, सर किसका निकालोगे, पूरा 320 लाख मेरा क्रेडिट सेल से उसी का ले लेते हैं, चेक करो बैड डेट्स कितना होने वाला था जो अब नहीं होगा, 1.5%, 320 लाख इंटू 1.5%, तो ये सेविंग्स है 4,80,000, और इसके अलावा है सेविंग्स इन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ये तो पर एनम दे रखा है आपको, कितना दिया हुआ यार, 5,00,000। अब बात ये है, ये पैसा लगेगा, ये पैसा लगेगा, ये पैसा बचेगा और ये भी बचेगा, तो नेट कॉस्ट निकल सकता है, छे 40 लगा प्लस 1,267,200 ये भी लगा, माइनस 4,80,000 माइनस 5,00,000, तो ये आ गया 9,27,200। अब हमारा काम हो चुका है, अब हम निकाल लेते हैं इफेक्टिव कॉस्ट,
927,200 हमको लग रहा है एनुअल डिवाइडेड बाय 67,23,200 हमको मिलेगा, ये मिलेगा इस पे ये लगने वाला है इनटू 100 परसेंटेज में निकल जाएगा। तो आंसर आएगा 13.79%। दिस इज पर दिस इज इफेक्टिव कॉस्ट 13.79% पड़ रहा है अगर हम फैक्टर से सर्विस अवेल करें तो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। ओके सर, सर ऐसे ही कोई क्वेश्चन और है क्या, जरा देख लेते हैं। बिल्कुल है, और वह है क्वेश्चन नंबर 10 पर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको यहां लिख देता हूं। होमवर्क रहेगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क रहा आपके लिए। सर अब अच्छा क्वेश्चन कौन सा करे, तो अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 31 जैसा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 12 मैं करवा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 13 आप कर लोगे, होमवर्क में डाल देंगे। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क है, इसी के जैसा क्वेश्चन है जो अभी बनाया है, तो ये इजीली आपसे बन जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। लिखा है मैसर्स अटलांटिक कंपनी लिमिटेड विथ अ टर्नओवर 4.8 करोड़, टर्नओवर दिया, इज एक्सपेक्टिंग ग्रोथ 25% फॉर फोर्थ कमिंग ईयर। बोले जितना अभी टर्नओवर है ना 4.8 करोड़, बोले अगले साल ना बढ़ के आएगा, मतलब 25% से बढ़ जाएगा टर्नओवर, ठीक है। क्रेडिट पीरियड 90 डेज दे रखा और पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से बैड डेट्स हो रहा था 1.4% ऑन सेल्स। अगर फैक्टर हम फैक्टर की सर्विस अवेल करते हैं तो देखना पड़ेगा रिकोर्स है कि विदाउट रिकोर्स। अगर नॉन रिकोर्स बेसिस पे, नॉन रिकोर्स तो टेंशन नहीं है बैड डेट्स का, लेकिन रिकोर्स है तो फिर टेंशन है, फिर बैड डेट्स आपका सेविंग नहीं होगा, ये देखना पड़ेगा। कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट पड़ रहा है 6 लाख पर एनम ही होगा। लिखा इट हैज डिसाइडेड टू टेक फैक्टरिंग सर्विसेज अ पैसिफिक फैक्टर्स ऑन टर्म दैट फैक्टर विल बाय रिसीवेबल बाय चार्जिंग 2% कमीशन, 20% रिस्क विथ रिकोर्स। अंडरलाइन करूंगा, अंडरलाइन काम की चीज है। 20% रिस्क विथ रिकोर्स, फैक्टर बोल रहा है भाई ऐसा है, 20% विथ रिकोर्स है और 80% विदाउट रिकोर्स है। सर इसका मतलब यह है कि नॉन रिकोर्स का मतलब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बैड डेट्स के सामने वाले की। तो बोले वो 80% के लिए तैयार हो गए, 80% के लिए, 20% बैड डेट्स आप ठीक किए, यही है 20% रिस्क विथ रिकोर्स। द फैक्टर विल पे एडवांस ऑन रिसीवेबल टू द फर्म एट 16% इंटरेस्ट रेट पर एनम आफ्टर विथ होल्डिंग 10% रिजर्व, कैलकुलेट द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू द फर्म एज्यूमिंग 360 दिन इन अ ईयर। ये तो हो जाएगा, बस थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा आपको। चलो स्टार्ट कर रहे हैं, क्या निकालना है हमको, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टर। कैलकुलेशन ऑफ, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 12। इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टर। स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, स्टेप नंबर 1 में होगा नेट एडवांस टेकन,
तो सबसे पहले क्रेडिट सेल्स पता तो लग जाए, तभी आगे काम करेंगे। है तो वैसे 4.8 करोड़, लेकिन उसने बोला है कि आगे 480 लाख है। एक्स्ट्रा बढ़ा के लेना, कितने परसेंट से बढ़ जाएगा बोले? ग्रोथ कितना है? 25%। तो सर 1.25 कर दे क्या? हाँ आप ऐसा कर सकते हो, तो सेल्स पता लग जाए। ₹600 लाख अभी क्या करना? वही काम, एवरेज रेटर्स 600 लाख इंटू कितना है जी पीरियड? सर पीरियड 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 कितना है टाइम? 90 डेज, और एक साल में 360 दिन लेना है। 90 डिवाइडेड बाय 360, तो ले लेते 600 लाख × 90 / 360, तो 150 लाख। इसका मतलब नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है हमें, है ना। 150 लाख माइनस क्या करोगे? रिजर्व। और रिजर्व कितना परसेंट रखना है? क्या बोला है? 10% ही बोला। 115 लाख रुपए रिजर्व आ जाएगा। माइनस क्या करना? और कमीशन, कमीशन कितना है जी? कमीशन 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 2%। 2% किसका होगा सर? 150 लाख का 2% ले लेते। बिल्कुल सही, एक सौ पचास लाख का 2%, 3 लाख। तो बताओ कितना आया? 150 लाख - 15 लाख - 3 लाख, तो यार बेटे 132 लाख। इंटरेस्ट को मैं अपफ्रंट ले रहा हूं, कुछ ना बोला है तो मैं अपफ्रंट ही लूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में वही लिया गया है। तो इंटरेस्ट लगेगा 132 लाख इंटू, चेक कर लो इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना ले रहा। फैक्टर 16%, 16% × 90 / 360, ₹5,28,000 इंटरेस्ट। अब जो आएगा, दिस इज नेट एडवांस टेकन, तो ये आ गया 126,72,000। दिस इज नेट एडवांस टेकन। अब क्या करना? अब आ जाते स्टेप नंबर 2 पर, नेट कॉस्ट ऑफ फैक्ट। तो चलो भाई पहले कॉस्ट देख लेते हैं। कमीशन सर, कमीशन सीधा नहीं निकाल सकते कि? बिल्कुल निकाल सकते हैं कमीशन सीधा। कैसे निकलेगा? 600 लाख का 2% तो भी चलेगा, या फिर ऐसे भी चलेगा 3 लाख रुपए कमीशन है। कितने दिन का? 90, तो 360 डेज का कितना? 12 लाख रुपया। कमीशन के अलावा और क्या आएगा? और आ जाएगा इंटरेस्ट 5,28,000 है 90 डेज, तो 360 डेज कितना?
ये कितना आ गया, 21 लाख, 12 3 0, 21,12,000। पर कुछ फायदे भी हैं, सेविंग्स इन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, वो तो शायद टोटल में ही दिया होगा एक साल का, चेक करो। यस 6 लाख, सेविंग्स इन बैड डेट्स, यहां इंपॉर्टेंट है, यहां ध्यान दो कि बैड डेट्स कैसे लिख रहा हूं। एक बार बताओ टोटल क्रेडिट सेल्स कितना है, 600 लाख, 600 लाख पे बैड डेट्स कितना होता है पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से? सर 1.75%, 1.75। लेकिन फैक्टर्स बोल रहा है 20% रिकोर्स है, मतलब 80% नॉन रिकोर्स, 80% बैड डेट्स उनके फैक्टर्स के, तो भाई मेरा 80% की तो सेविंग्स होगी। ओके सर बात समझ में आ गई, तो चेक कर लेते हैं, 600 लाख इंटू 1.75% इंटू 80%, तो ये आ गए 8,40,000 की सेविंग्स। तो चेक करते हैं नेट कॉस्ट कितना आ रहा है, नेट कॉस्ट 12 लाख माइनस 21 लाख, 12,000 प्लस हो गया यार, 12 लाख प्लस 21 लाख, 12,000 माइनस 6 लाख माइनस 8,40,000, तो ये आ गया बेटे 18,72,000। अब बात किसकी कर लेंगे, अब बात करेंगे हम इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री, कितना जा रहा है, 18,72,000 जा रहा है कितने पे, 12,67,000 नहीं, 126,72,000 परसेंटेज मिलाना, इसलिए 200। तो आंसर आया बेटे 14.77%। This is effective cost of fact. तो भाई मैंने कहा था ना कि ये क्वेश्चन और इसी के जैसा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 2। तो और एक क्वेश्चन होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 2। तो ये बेसिक क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, दो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया, कॉन्सेप्ट हुआ। अब कुछ स्पेशल क्वेश्चंस है जो मुझे आपको करवाना है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं स्पेशल क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है जी। हाँ बच्चों, तो पहला पार्ट किया जिसमें हमने इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग डिस्कस किया था, अब करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 2 सेकंड। इसमें हमें डिस्कस करना है फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ फैक्टरिंग प्रपोजल, फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ फैक्टरिंग प्रपोजल। अच्छा सर इसमें करना क्या होता है बेटे, इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें बस हमको ये लेना है कि जो हम इन हाउस मैनेजमेंट करते हैं, इन हाउस मैनेजमेंट का मतलब डेटर्स का मैनेजमेंट हम ही करते हैं, अगर हम फैक्टर से सर्विस अवेल करें तो हमें कम खर्चों में काम चल जा रहा है, जबकि इन हाउस में हम खुद ही मैनेजमेंट करते तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, तो उस कंडीशन में हम फैक्टरिंग प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर हम फैक्टर से सर्विस अवेल करते हैं तो हमें
कॉस्ट ज्यादा पड़ रहा है, जबकि उसकी अपेक्षा हम खुद ही घर में मैनेज कर ले तो वो ज्यादा अच्छा, तो रिजेक्ट कर देंगे। सिंपल सिंपल सी बात है, हमें दो चीजें ढूंढना पड़ेगा कि फैक्टरिंग प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से बेनिफिट क्या है और कॉस्ट क्या है। अगर कॉस्ट ज्यादा है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा प्रपोजल, अगर कॉस्ट कम पड़ रहा है बेनिफिट ज्यादा है तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है सर। ठीक है सर, इसको एग्जांपल के थ्रू समझाओ कि हाँ बेटे इसको मैं एक काम करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ और उस एग्जांपल से डिस्कस करूंगा। एग्जांपल मान लो क्रेडिट सेल्स 12 लाख रुपए, ठीक है जी, ओके सर। एवरेज कलेक्शन पीरियड 60 डेज, बैड डेट्स 2% है, और अभी हम खुद ही मैनेजमेंट करते हैं रिसीवेबल्स का, डेटर्स का, तो करीब करीब 25,000 रुपए पर एनम का खर्चा आ जाता है, ठीक है। अच्छा, हम लोगों को एडवांस भी लेना पड़ता भाई बैंक से, या फिर आप जो गुड्स बनाते हो, जो गुड्स बनाते हो कहाँ से बनाते हो, बना के बेच तो देते हो, तो उसके लिए हमें बैंक से उधार लेना पड़ता है। ऐसा समझ लीजिए कि हमें बैंक से अगर हम शॉर्ट टर्म पे उधार ले लें तो उसका रेट क्या है, रेट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट मान लो ये 7% पर है, ठीक है सर। अब क्या कर रहा है, अब हम फैक्टर की सर्विस अवेल करने का सोच रहे हैं, फैक्टर से अगर हम फैक्टरिंग प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं तो एवरेज कलेक्शन पीरियड उनका ये कहना है कि हम 45 डेज करवा देंगे सर। मतलब अभी जो कलेक्शन होता है हमारा 60 दिन में होता है, फैक्टर की अगर सर्विस अवेल करते हैं तो वो कलेक्शन का काम ज्यादा स्पीड से, ज्यादा अच्छी तरीके से करेंगे, तो हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड 45 डेज हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर, ये तो बात समझ में आ गई। आगे क्या, अच्छा फैक्टर की जो सर्विस ले रहे हो वो ले रहे हो नॉन रिकोर्स बेसिस या विदाउट रिकोर्स बेसिस, सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर हम फैक्टर की सर्विस अवेल करते हैं तो हमारे बैड डेट्स नहीं, अगर पैसा डूबा तो फैक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके सर ठीक, तो हमारे बैड डेट्स भी बच जाएंगे और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट तो बचना ही बचना है। अच्छा, बदले में हमसे फीस चार्ज करेगा, ऐसे तो काम नहीं करेगा, और ये ले रहा 3% ऑफ एवरेज डेटर्स, लिख देता हूं, डेटर्स तो आपको पता ही है, फीस 3%, और साथ में ये हमें एडवांस भी देगा, हाँ सर एडवांस, और एडवांस हमें दिया जाएगा 80% किसका, ऑफ एवरेज डेटर्स, किस रेट पे, एट द रेट 18% पर एनम, 18% के हिसाब से, ठीक है सर। यहां तक भी बात, मतलब रिजर्व 20% होगा, 80% हमको एडवांस मिलेगा सर, फीस लेगा और इंटरेस्ट हो लगेगा, ठीक है यहां तक। हाँ, फायदा क्या है, पहले हमारा जो पैसा ब्लॉक हो रहा था वो 60 दिन के हिसाब से एवरेज डेटर्स निकलता 45, तो कुछ डेटर्स हमारा फ्री हो जाएगा, वो मैं समझाऊंगा आपको। अब आपसे क्या बोलेगा, आप सीधा सीधा लिख दें वेदा, फैक्टरिंग प्रपोजल
should be accepted. बस बात खत्म. हमें ये देखना है कि सेविंग्स क्या है, बेनिफिट क्या है, और हमें ये देखना है कि कॉस्ट क्या है. दैट्स इट. तो अब मैं काम करने जा रहा हूं. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले सेविंग्स. अच्छा, सेविंग्स से पहले भी मैं कुछ बातें कर लूं. सबसे पहले बताऊं, एग्जिस्टिंग जो है वो एवरेज कलेक्शन पीरियड है 60 दिन. तो उसके हिसाब से क्या एग्जिस्टिंग डेटर्स निकल सकते हैं? हाँ सर, निकल जाएंगे. 12,00,000 × 60/365 दिन भी लिया जा सकता है. 360 दिन में, मैं 360 दिन ले रहा हूं. तो अभी डेटर्स कितने के हैं? 2,00,000. अगर मैं फैक्टरिंग प्रपोजल की बात करूं, उसको एक्सेप्ट कर लेता हूं, तो डेटर्स जो है वो 45 दिन में पैसा मिल जाया करेगा. तो यार डेटर्स जो है एवरेज, क्या वो कम हो जाएंगे? हाँ भाई हाँ, एवरेज डेटर्स 12,00,000 × अब पैसा 45 डेज का ब्लॉक होगा. तो ये आ गया 1,50,000. तो कितना पैसा फ्री हो गया मेरा? 50,000. बिल्कुल समझना ध्यान से. अभी जो एवरेज कलेक्शन है वो कितना पीरियड है? अभी एवरेज कलेक्शन पीरियड है 60 दिन. उसके हिसाब से मेरा जो पैसा ब्लॉक हो रहा है डेटर्स में, वो 2,00,000 रुपए हो रहा है. लेकिन मैं फैक्टरिंग प्रपोजल एक्सेप्ट करता हूं, तो उन्होंने मुझसे बात किया कि आपका जो डेटर्स है वो 45 दिन में पैसा दे दिया करेगा. उस हिसाब से जो मेरा पैसा ब्लॉक हो रहा है डेटर्स में, वो 1,50,000 हो रहा है. तो भाई फैक्टरिंग प्रपोजल को एक्सेप्ट करने की वजह से मेरा 50,000 तो फ्री हो जाएगा. हाँ, और उस 50,000 पे मेरा इंटरेस्ट का सेविंग होगा. सीधी सीधी बात है कि जो पैसा मेरा 2,00,000 रुपए ब्लॉक हो रहा था, अब 1,50,000 रुपए ही ब्लॉक होगा. तो 50,000 फ्री हो जाएगा और उस पर मैं इंटरेस्ट कमा लूंगा, या उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, जैसा आप बोल सकते हो. तो अब हम काम कर रहे हैं. सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेविंग्स या बेनिफिट. पहला, सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट. सेविंग्स ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए. कितना रुपए फ्री हो गया? 50,000. इट मीन्स अब हमें 50,000 रुपए उधार नहीं लेना पड़ेगा, अब 1,50,000 रुपए ही ब्लॉक हो रहा है. और हम जनरली कितना परसेंट ओवरड्राफ्ट पर उधार लेते हैं? 7%. कितने इंटरेस्ट का सेविंग्स हो जाएगा? 50,000 × 7% 3,500. सेविंग्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस. कितना रुपए हर साल का खर्चा था? 25,000 डेटर्स को मैनेज करने के लिए. अब वो खर्चा नहीं होगा. और किस चीज का? सेविंग्स इन बैड डेट्स. अब जो पैसे डूबने वाले थे, डूबे तो डूबे, उनका प्रॉब्लम, मेरा थोड़ी प्रॉब्लम. तो 2% का ये भी मेरा पैसा बचेगा, क्योंकि नॉन रिकोर्स बेसिस पे 12,00,000 × 2% 24,000 का ये सेविंग्स हो गया. तो टोटल सेविंग्स कितने का हो गया? 3,500 + 25,000 + 24,000.
तो 52,500 का मेरा बेनिफिट है, मेरा सेविंग्स। पर फैक्टरिंग प्रपोजल एक्सेप्ट करता हूं तो कुछ कॉस्ट भी तो लगेगा, कॉस्ट ऑफ फैक्टर, फीस बोल दीजिए या कमीशन बोल दीजिए। सर फीस, सर फीस आप काटोगे नहीं एडवांस में से? नहीं बेटे, फीस 3% है, आप एरियर्स मान के चलो, कोई दिक्कत नहीं। किस पे लगता है फीस? सर फीस तो 12 लाख पे, कलेक्शन पे लगेगा। एग्जैक्टली, तो फैक्टर्स मुझसे 12 लाख का 3% ले जाएगा फीस। तो ये आ गया 36,000। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन एडवांस, फैक्टर जो है वो मुझे एडवांस देगा कितना? 80% ऑफ एवरेज डेटर्स। तो सर 2 लाख का एडवांस देगा कि नहीं? भाई नहीं, जैसे ही मैं फैक्टर को सर्विस दे दूंगा तो आगे से मेरे डेटर्स तो 1.5 लाख ही हो गए ना, तो मुझे एडवांस मिलेगा 1,50,000 का 80%, इतना एडवांस मिलेगा। और फैक्टर जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो 18% के हिसाब से चार्ज करेगा। 1,50,000 का 80% इंटू 18%, इंटरेस्ट लग गया 21,600। अब सुनना, ध्यान से सुनना सर, फैक्टर से आप एडवांस ले रहे हो 1,50,000 का 80%, और उस पर आप 18% दे रहे हो उसको। हाँ, तो मेरा खर्चा है ना सर, उतना 18% एक्सपेंसेस नहीं है। सोच कर देखो, अगर आप फैक्टर से नहीं लेते पैसा उधार, तो बैंक से लेते, ओवरड्राफ्ट से, तो ऐसे भी तो आपको 7% देना ही पड़ता। आप फैक्टर को एक्चुअल में नेट एक्स्ट्रा कितना दे रहे हो इंटरेस्ट का, ये सोचो। इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, समझा रहा हूं फिर से, अगर मैं फैक्टर से एडवांस नहीं लेता तो कहीं और से लेता, मान लो उतना ही एडवांस लेता, तो इस पे तो मुझे 7% ब्याज ऐसे भी देना पड़ता, वैसे भी देना पड़ता। तो 1,50,000 इंटू 80% इंटू 7%, 8,400 मुझे इंटरेस्ट वैसे भी लगता, तो एक्स्ट्रा कितना लग रहा है? सर एक्स्ट्रा लग रहा आपको 13,200। सर इसको ऐसे भी तो ले सकते थे, यहां इंटरेस्ट कितना 18, यहां कितना 7, 18 माइनस 7, आपको 11% ज्यादा देना पड़ रहा है इंटरेस्ट, तो सीधा 11% नहीं निकाल सकते क्या? कैसे? 1,50,000 इंटू 80% इंटू 11%। हाँ भाई हाँ, आ गया, वैसे भी ले सकते हो, पर बस ये समझाने के लिए कि फैक्टर को मुझे देना 21,600, और वैसे अगर मैं फैक्टर से एडवांस नहीं लेता तो ऐसे एडवांस लेता तो मुझे 8,400 तो ऐसे भी देना पड़ ही रहा था, पर फैक्टर को 21,600 देना, तो एक्स्ट्रा कितना देना पड़ रहा ये मैंने ले लिया। ठीक है जी, अब कॉस्ट को जोड़ देते हैं, 36,000 प्लस 13,200, तो ये आ गया 49,200। सेविंग्स कितना 52,500 और कॉस्ट कितना 49,200। क्या हमें फैक्टर की सर्विस अवेल करना चाहिए? यस, सेविंग्स से ज्यादा है। क्या नेट सेविंग्स या नेट बेनिफिट निकाल सकते हैं? हाँ सर निकाल सकते हैं, नेट सेविंग्स 52,500 माइनस 49,200, तो ये आ गया रुपीस 3,300, और यहाँ आ जाएगा फैक्टरिंग सर्विसेस, फैक्टरिंग प्रपोजल शुड बी एडॉप्टेड या एक्सेप्टेड। ठीक है, तो बेटे सीधा सीधा है, सीधी सी बात है, इस टाइप के क्वेश्चन है, बड़े सारे क्वेश्चन, बड़े सारे क्या, बचे हुए सब ऐसी क्वेश्चन है। तो आपको दो टाइप का मैंने आपको समझाया, पहले इफेक्टिव कॉस्ट कैसे निकालते हैं, दूसरा फाइनेंशियल वायबिलिटी कैसे चेक करते हैं कि हमको फैक्टरिंग का प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं। तो अब कॉन्सेप्ट तो सारे हो गए, कॉन्सेप्ट दो ही थे, दोनों हो गए, बस अब क्वेश्चन बनाने की बात है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना देते, खत्म। ओके,
हाँ बच्चों, तो अब हम लोग फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ फैक्टरिंग के क्वेश्चन ले लेते हैं। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो ले रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 1, चलो जी देखते हैं क्या लिखा है। द क्रेडिट सेल्स एंड रिसीवेबल, रिसीवेबल का पीरियड नहीं दिया, रिसीवेबल ऑफ मैसर्स एम लिमिटेड एट द एंड ऑफ द ईयर आर एस्टिमेटेड एट 3,74,00,000। ये होगा क्रेडिट सेल्स। और सुनो, एवरेज डेटर्स नहीं निकालना, उसने ऑलरेडी दे रखा 46,00,000 एग्जिस्टिंग। द एवरेज वेरिएबल ओवर ड्राफ्ट इंटरेस्ट रेट इज 5%। ठीक है, अगर अभी पैसा उठा रहे तो हम 5% के हिसाब से पैसा उठा सकते। देखा, एम लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल फॉर फैक्टरिंग इट्स डेट ऑन ए नॉन रिकोर्स बेसिस। नॉन रिकोर्स का मतलब बैड डेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, फैक्टर्स की। फी कितना, 3% ऑन क्रेडिट सेल्स, ऑन क्रेडिट सेल्स, ऑन क्रेडिट सेल्स इंपॉर्टेंट है। एज ए रिजल्ट एम लिमिटेड विल सेव ₹1,00,000 पर ईयर इन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एंड 3,50,000 एज बैड डेट्स बचेगी भाई नॉन रिकोर्स बेसिस पे। तो फैक्टर विल मेंटेन अ रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड ऑफ 30 डेज। तो हम एवरेज डेटर्स निकालेंगे। फैक्टर क्या बोला, फैक्टर बोला भैया आपका कितना पीरियड है वो हम नहीं जानते, हम आपका पीरियड 30 डेज कर देंगे। मतलब आपको जो पैसा वो 30 डेज में, तो हम देख लेंगे कि हमारा कितना पैसा ब्लॉक हो रहा है, 30 डेज के हिसाब से एवरेज डेटर्स निकाल लेंगे। एडवांस मिलेगा 80% ऑफ द, अंडरलाइन करो, फेस वैल्यू देयर ऑफ। फेस वैल्यू देयर ऑफ का मतलब जो भी 30 डेज के हिसाब से एवरेज डेटर्स निकलेगा उसका 80% हमको एडवांस मिल जाएगा। हालांकि रेट कितना लगेगा, 7%। इवेल्युएट द वायबिलिटी ऑफ द प्रपोजल, नोट 365 डेज आर टू बी टेकन इन अ ईयर फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रिसीवेबल। ओके सर, करना कैसे, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले एग्जिस्टिंग डेटर्स, बताओ कितने रुपए के, सब 46 लाख। माइनस आगे से एवरेज डेटर्स फैक्टर के हिसाब से, प्रपोज डेटर्स बोल सकते। क्या सेल्स बढ़ रहा है, नहीं उतना ही है। 3,74,00,000 इंटू 30 है ना, 30, एक साल में कितना दिन लेना है, 365, तो कितना पैसा मेरा फ्री हो जाएगा, 374 लाख इंटू 30 डिवाइडेड बाय 365, पैसा फ्री हो जाएगा, मतलब ये होगा 30739। 73 ले लूं, यस सर। इट मीन्स फैक्टर की वजह से जो डेटर्स 46 लाख मेरा ब्लॉक हो रहा था, अब इतना ही पैसा ब्लॉक होगा, माइनस 46 लाख। तो मेरा पैसा कितना फ्री हो जाएगा, रुपीस 15 लाख 26,06,027, ये मेरा फ्री हो जाएगा इतना पैसा। ठीक है, तो इस पे मेरा इंटरेस्ट का सेविंग्स हो जाएगा। अब क्या करना, अब कुछ नहीं करना, मुझे एक तो निकालना है सेविंग्स, किस किस चीज की सेविंग्स होगी। चलो जी चेक करते किस किस चीज की सेविंग्स हो रही। एक तो सेविंग्स किस चीज की होगी बेटे, सेविंग्स इन इंटरेस्ट सबसे पहले ले लेते हैं। इतना पैसा फ्री हो गया ना, और वेरिएबल ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट कितना दिया, 5%, ये सेविंग्स। इसके अलावा सेविंग्स किसकी होगी सर, बैड डेट्स,
यस नॉन रिकॉर्ड्स बेसिस। बैड डेट्स कितना बचा लोग ऐसा कुछ बोला है क्या? एज ए रिजल्ट एम लिमिटेड विल सर 1 लाख एडमिशन और 3,50,000 बैड डेट्स, तो ये तो लिख ही देता हूँ 3,50,000। और सेविंग्स किसकी हो कि सेविंग्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। और ये कितने रुपए का सेविंग्स होगा? 1 लाख। ये वाला लिखना है सेविंग्स एंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है। 152,60,27 × 5%, तो ये आ गया 76,301। तो ये आ गया बेटे टोटल सेविंग्स प्लस 3,50,000 प्लस 1 लाख, तो टोटल सेविंग्स हो गया 526,301। अब सेविंग्स तो हो गए, इसके अलावा अब यहां क्या लिखना है? कॉस्ट कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, ये बेनिफिट ऑफ फैक्टरिंग या कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। सर एक तो हमको लगेगा फी, यस फीस, पर 1 साल का लेना है, कितना परसेंट बोला जरा देखते हैं। फीस 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 चेक करो, 3% ऑन क्रेडिट सेल्स। और सर क्रेडिट सेल्स कौन सा वाला बेटे? क्रेडिट सेल्स तो ये वाला है, तो इसके हिसाब से फीस इसके इस पे चार्ज हो जाएगा फीस। तो चलो देख लेते फीस कितना आएगा, 3,74,00,000, इसका 3%। तो ये आ गया 11,22,000। और एक क्या लगेगा हमको? इंटरेस्ट। एडवांस कितना दिया जा रहा चेक करो, 80% ऑफ द फेस वैल्यू, मतलब ये है फेस वैल्यू, ये है डेटर्स फैक्टर, इसका डेटर्स हमको इसका फैक्टर हमको 80% लोन दे देगा। तो 3,073,973 × 8। सर फीस नहीं काटोगे इसमें से? नहीं बेटे, अप फ्रंट नहीं। और इसका इंटरेस्ट हमसे चार्ज करेगा 7%, 3,073,973 × 80% मिलेगा × 7%, तो इंटरेस्ट आएगा 1,721,42। इतना इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन सुनो बेटे अगर यही 80% पैसा आप खुद बैंक से उठाते वेरिएबल ओवरहेड के हिसाब से, तो आपको 5% तो वैसे भी इंटरेस्ट लगता, तो अगर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लग रहा तो 2% ही लग रहा। मैं सीधा 2% भी ले सकता हूं, पर मैं समझा रहा हूं वैसे तो इंटरेस्ट इतना लगता, लेकिन यही पैसा अगर मैं बैंक से उठाता तो मुझे 5% इंटरेस्ट तो वैसे भी लगता, तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितना है? 3,073,973 × 80% × 5%, तो यह आ गया 12,295,9। इसमें से ये मैंने माइनस कर दिया 172,142, तो ये आ गया एक्स्ट्रा इंटरेस्ट 49,183। तो बताओ टोटल कॉस्ट कितना आ गया? ये आ गया 1,171,183। तो सेविंग्स है इतना और कॉस्ट है इतना, तो बेटे ये तो लॉस हो गया, लॉस 526,301 − 1,171,183। तो मेरा लॉस हो गया 6,44,882। क्या फैक्टरिंग प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? नहीं, क्योंकि सेविंग्स कम है और कॉस्ट ज्यादा है। तो लिखोगे
फैक्टरिंग प्रपोजल, should not be accepted. That's it. तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं. तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11. हाँ यहां सॉरी यहां होना चाहिए should be नहीं should not be accepted. ठीक है तो अब ये था क्वेश्चन नंबर 11. अब कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं सर? अब बनाएंगे हम लोग और इसी टाइप के क्वेश्चन है सबके सब. अब बना रहे बेटे क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 करते. क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 1 पे ही मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 1. हाँ जी तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है अच्छे से देखोगे. लिखा अ कंपनी इज कंसिडरिंग इंक्रीजिंग अ फैक्टर, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. करंट एवरेज कलेक्शन पीरियड 80 दिन, ठीक है उसके हिसाब से डेटर्स निकालेंगे. एंड हाफ परसेंट ऑफ डेटर्स डिफॉल्ट, मतलब बैड डेट्स हाफ परसेंट. द फैक्टर हैज एग्री टू पे मनी ड्यू आफ्टर 60 डेज. फैक्टर बोल रहा है भैया 80 दिन छोड़ो, हम 60 दिन में पैसा दे देंगे, मतलब 60 डेज एवरेज कलेक्शन पीरियड हो जाएगा. एंड विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी लॉस ऑन, मतलब नॉन रिकॉर्ड्स बेसिस. द एनुअल चार्जेस फॉर द फैक्टरिंग 2% ऑफ टर्नओवर पेबल एनुअली इन एरियस, दिस इज कमीशन, एनुअल चार्जेस फीस बोल सकते हो. एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कितना है जी? 1,00,000 रुपए, ये सेव हो जाएगा, बैड डेट सेव हो जाएगा. एनुअल सेल्स ऑल ऑन क्रेडिट आर ₹1,00,000,000. वेरिएबल कॉस्ट 80, इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन करोगे, वेरिएबल कॉस्ट 80%. जब भी ऐसे शब्द आएंगे वेरिएबल कॉस्ट 80%, इसका क्या करना ये मैं आपको समझाऊंगा. कंपनी का जो बोरिंग रेट है वो है 15%. एज्यूम द ईयर इज कंसिस्टिंग 365 दिन लेना है. पूछ रहा है कि यहाँ कोई एडवांस एडवांस वाली बात नहीं है, ट्रीटमेंट वैसे ही करेंगे जैसा करते आ रहे. इसका मतलब सबसे पहले काम क्या करें, एग्जिस्टिंग डेटर्स निकालना पड़ेगा, इस बार दिया नहीं है. ₹100,00,000 का 80 दिन का निकाल लो भाई, 1,00,000, 80 डिवाइडेड बाय 365 डेज लेने के लिए बोला. तो बेटे ये आ गया ₹219,171. एवरेज डेटर्स एज पर फैक्टर्स, ₹100,00,000 इंटू 60 दिन में वो हमको पैसे दे देंगे. मतलब 1,643,836, मतलब हमारा कितना पैसा फ्री हो जाएगा देख लेते हैं. 219,171, तो हमारा पैसा फ्री हो जाएगा 547945. ठीक है जी सर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना, ये तो हमने पहले देखिए. अभी क्या बात कर ले सेविंग्स. तो पहले क्या कर ले सेविंग्स इन इंटरेस्ट. ये पैसा फ्री और इस पे इंटरेस्ट है 15% है शायद, एक बार चेक कर लो. हाँ जी कॉस्ट ऑफ बोरिंग 15% दे रखा. हाँ लेकिन एक बात समझो,
इतना पैसा आपका फ्री हो जाएगा, लेकिन इतना पैसा थोड़ी ना ब्लॉक है। आप एक बात बताओ, जब भी वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो दिया है, मैं कह रहा हूँ 100 रुपए का मैं बेचता हूँ, पर इसको बनाने में 80% ही लगा है, 80% 80 रुपए ही लगा है, तो बैंक वाला कहता है भाई आप जो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात कर रहे हो, आप कितना रुपया उधार लोगे, सुनना ध्यान से, मैं बेचूंगा 100 में लेकिन लगाने में 80 रुपए ही लगा है, तो मैं तो 80 रुपए ही तो उधार लूंगा। इसका मतलब जो पैसा फ्री हुआ उसका 80% ही लेना पड़ेगा, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 15% लेना पड़ेगा। यही खास बात थी उसमें, सिंपल सी मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच से कर रहा हूँ मैं, जितने में बेच रहा हूँ वो मेरा पैसा एक्चुअल में ब्लॉक था ही नहीं, मेरा ब्लॉक था उसमें जितना लगा है। ठीक है, तो 547945 × 80% × 15% ये इंटरेस्ट हो गए 657 53। सेविंग्स इंटरेस्ट के अलावा और क्या होगा, सेविंग्स इन बैड डेट्स, डेटर्स कितने के 100 लाख, अब बैड डेट्स का रेट कितना दिया चेक करो, 0.5%, $50,000 ये भी मेरा सेविंग्स हो गया। सर और क्या सेविंग्स होगा, सेविंग्स इन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ये तो सीधा सीधा दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा कितना दिया हुआ है, 1 लाख रुपए। चेक करो टोटल कितना सेविंग्स हो रहा, 657 53 प्लस 50,000 प्लस 1 लाख, तो ये सेविंग्स हो गया 215 753। अब फैक्टरिंग का कॉस्ट देख लेते, कॉस्ट कितना, तो साहब एक तो हमको फी देना पड़ेगा, कमीशन या जो भी बोलो, फीस बोला हुआ है 2% ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब 100 लाख का 2%, 2 लाख रुपए, और कोई इंटरेस्ट वगैरह का चक्कर है ही नहीं, कोई एडवांस वेडवांस की बात ही नहीं हुई, तो 2 लाख, तो बेटे सेविंग्स है ज्यादा कॉस्ट है कम, तो नेट सेविंग्स कितना है या नेट बेनिफिट, नेट बेनिफिट बोलो नेट सेविंग्स बोलो, 215753 माइनस 2 लाख, तो 15753 पॉजिटिव है, hence factoring proposal should be accepted, ये था क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 8 तो पहले ही हो चुका था, 10 भी हो गया है, 11 भी हो चुका है, 12 हो चुका है, 13 हो चुका है, सर 14 नहीं हुआ शायद, बिल्कुल सही, तो क्या 14 बनाए, यस क्वेश्चन नंबर 14 बना रहे, क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 2। क्या बोला जरा पढ़ते हैं, लिखा आर लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ फैक्टरिंग प्रपोजल ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा फॉर द नेक्स्ट ईयर इन हाउस मैनेजमेंट फैक्टरिंग प्रपोजल, इन हाउस मैनेजमेंट
अगर करे तो फैक्टरिंग प्रपोजल के थ्रू जाए तो क्या, किसी भी हालत में जो सेल्स होगा वो 540 लाख होगा, आपको इन हाउस मैनेजमेंट करना है या फैक्टरिंग प्रपोजल के थ्रू काम करना। रिसीवेबल 12 लाख है, मतलब एवरेज डेट 12% है, तो एग्जिस्टिंग डेटर्स निकल जाएगी 12%, ये इन हाउस मैनेजमेंट के अंदर लिखा है 12%। ओके सर। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इन हाउस मैनेजमेंट में 1.25, बैड डेट्स 5.25 इन हाउस मैनेजमेंट में, रिसीवेबल कलेक्ट अगर मैं फैक्टरिंग प्रपोजल के थ्रू जाऊं तो 30 डेज में कलेक्ट हो जाएगा। ओके। रिजर्व 20%, मतलब 80% मुझे एडवांस मिलेगा। बैंक प्राइम लैंडिंग रेट 8 दे रखा है, 8%। ठीक है। आर लिमिटेड इज एबल टू गेट वेरिएबल ओवरहेड इंटरेस्ट रेट एट BPLR, मतलब जो रेट है ना प्राइम लैंडिंग रेट, उस पर आपको उधार मिल सकता है। ओके। आगे क्या बोला, एज्यूम नहीं, फैक्टर चार्ज अ प्रीमियम ऑफ 4.6% ओवर BPLR। फैक्टर जो है इंटरेस्ट है ना 8 नहीं लेगा, 8 और 4 12.6% लेगा। 360 दिन में, एक साल में 360 दिन लेना, वायबिलिटी ऑफ प्रपोजल, तो चलो वैसे ही काम करते हैं। सबसे पहले एग्जिस्टिंग डेटर्स, पाँच सौ चालीस लाख का 12% इन हाउस मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, 64.80 लाख एवरेज डेटर्स एक्स पर फैक्टर्स। फैक्टर के हिसाब से 540, 30 दिन में 360 दिन लेना, 365 लेना, 360 540 × 30 / 365, तो ये आ गया 44.38, दो डिजिट में लेता हूँ लैक्स। कितना पैसा फ्री हो जाएगा, 20.41 लैक्स, ये पैसा फ्री हो जाएगा। बस अब तो कुछ बचा नहीं है, एक क्या जाएगा सेविंग्स। तो सबसे पहले बात किसकी कर ले, सेविंग्स इन इंटरेस्ट, कितना फ्री होगा 20.41। इसमें ऐसा कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया तो इसी का निकालेंगे। सर कौन सा रेट, बैंक प्राइम लैंडिंग रेट 8%, 8% इतना सेविंग होगा 1.6328। बैड डेट्स का भी चेक करें कि चेक करो, हाँ सर है सेविंग्स इन बैड डेट्स, बैडेट्स निकाल के दिया है कि यस 5.25 सेविंग्स इन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, कितना है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भाई, 1.25 टोटल कर लो, 1.6328 + 5.25 + 1.25, तो ये आ गया 8.1328। तो ये सेविंग्स हो गए, अब कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग देख लेते हैं। कॉस्ट में सबसे पहले फीस वगैरह कुछ दिया है क्या, चेक करो, कमीशन फीस कुछ ना कुछ तो लिखा होगा। फीस तो कुछ भी नहीं है, सेल्स दिया है, रिसीवेबल दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन का बैडेस रिसीवेबल का, फैक्टरिंग रिजर्व, फीस के विषय में कुछ नहीं बोला, तो सीधा सीधा हम लोगों को क्या कर निकालना है, इंटरेस्ट निकाल देना, खत्म बात, इंटरेस्ट ऑन एडवांस।
जो हमें एडवांस मिलेगा उस पे इंटरेस्ट, और एडवांस कितना मिलेगा इतना डेटर्स 44.38, और इसका एडवांस 20% रिजर्व है तो एडवांस कितना मिलेगा 80%, और रेट कितना 8 और 4 12 12.6%। तो 44.38 × 80% × 12.6% तो आ गया 4.4735। पर बात ये है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट्स, अगर इतना ही मैं एडवांस लेता बिना फैक्टरिंग प्रपोजल के तो मुझे 8% पे एडवांस मिल जाता। 44.38 × 80% × 8% तो 2.8403। तो एक्चुअल में मुझे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितना लग रहा है, मुझे लग रहा है इंटरेस्ट 1.6332 ले लूं, फीस दिया नहीं है तो यही मेरा कॉस्ट हो जाएगा 1.6332। तो क्या अभी भी बेनिफिट दिख रहा है? यस, नेट सेविंग्स या बेनिफिट बोल सकते 8.1328 − 1.6332। तो सेविंग्स कितना हो गया 6.4996, मतलब 50 ले सकते लैक्स। क्या सेविंग्स पॉजिटिव है? यस। तो किया जाएगा फैक्टरिंग प्रपोजल, शुड बी एक्सेप्टेड। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 14। हाँ बच्चों, तो अब क्वेश्चन नंबर 17 पेज नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 17 पेज नंबर 4 देखते क्या लिखा। एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम फॉरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड आर गिवन बिलो। टर्नओवर दे रखा है 21,300, कॉस्ट ऑफ सेल्स है 16,400। तो 21,300 में से 16,400 माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया 4,900, ठीक है। इसके बाद करंट एसेट्स में 3,000 और नॉन करंट एसेट्स 4,500। पहले नॉन करंट एसेट्स दिया 3,000, फिर करंट एसेट्स में स्टॉक दे रखा 4,500 का, ट्रेड रिसीवेबल है 3,500। 4,500, 3,500, 8,000 हो गया। और फिर इस तो इस तरह से उसने नॉन करंट एसेट्स और करंट थोड़ा सा मिसप्रिंट है आप देख लोगे, टोटल मिलाकर 11,000। इसी तरह से ट्रेड पेबल्स है, ओवरड्राफ्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व, डिबेंचर्स वगैरह सब मिलाकर 11,000 दिया हुआ है। मिसप्रिंट है तो आप क्वेश्चन नंबर 17 पीएमसी भी चेक कर सकते हैं। लिखा एक्स वाई जेट फिन कॉरपोरेशन, ठीक है, अ फैक्टर हैज ऑफर टू मैनेज द ट्रेड रिसीवेबल ऑफ एबीसी लिमिटेड। अभी ट्रेड रिसीवेबल कितने के एग्जिस्टिंग 3,500 के। तो एक्स वाई जेट करके कोई फैक्टर है और वो ऑफर कर रहा है एबीसी लिमिटेड को कि हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एक्स वाई जेड को एक्सपेक्टेशन है कि इसकी वजह से एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एक्स वाई जेड मतलब वही फैक्टर, 35 दिन हो जाएगा, ठीक है। एवरेज डेटर्स निकाल लेंगे, एग्जिस्टिंग डेटर्स, एवरेज डेटर्स, तो जो भी बचेगा वो हमारा पैसा फ्री हो जाएगा। टू रिड्यूस बैड डेट्स फ्रॉम, और बैड डेट्स भी रिड्यूस कर दोगे 0.9% से 0.6%। तो भैया बैड डेट्स आपका ना, अगर आप नॉन रिकोर्स हो, रिकोर्स हो तो ठीक है हमारा फायदा है, देखते क्या कर। एंड टू सेव एबीसी ₹40,000 पर ईयर ऑन अकाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। द एक्स वाई जेड वुड आल्सो मेक एन एडवांस टू एबीसी 80% ऑफ द रिवाइज्ड बुक वैल्यू ऑफ ट्रेड रिसीवेबल।
द इंटरेस्ट रेट ऑन द एडवांस वुड बी 2% हायर देन द एबीसी करेंटली पे ऑन इट्स ओवरड्राफ्ट दैट इज 7%, मतलब 9% लगे, तो 9 - 7 2% एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। एक्स वाई जेड वुड चार्ज अ फी 0.75% ऑफ टर्नओवर विथ रिकोर्स बेसिस एंड फॉर फीस 1.25% ऑफ टर्नओवर ऑन अ नॉन रिकोर्स बेसिस। सिंपल सी बात है, अगर बैड डेट्स खुद फैक्टर बियर करेगा तो कमीशन भी तो ज्यादा लेगा यार, तो वो फीस ले रहा है ज्यादा। 365 दिन लेना एक साल में, सारा सेल्स और परचेस क्रेडिट बेसिस पे है, आपको इवेल्युएट करना। पहले देख लेते हैं कि कितना फ्री हो रहा है, उसके बाद एग्जिस्टिंग डेटर्स। और एग्जिस्टिंग डेटर्स 3500, चलो पूरा जीरो लगा के करता हूँ और 3 जीरो ऊपर, मतलब सर 35 लाख। यस, और फैक्टर कितने दिन में हमको पैसा देने को तैयार हो जाएगा, एवरेज डेटर्स, मतलब कितने दिन में वो डेटर से पैसा कलेक्शन कर लेगा। सेल्स कितना है, इंटू 213 लाख इंटू 35 डेज डिवाइडेड बाय कितना दिन लेना भाई, 365 दिन लेना। चेक कर लेते हैं कितना फ्री हो जाएगा, 213 लाख इंटू 35 डिवाइडेड बाय 3 किलो, तो ये देखिए 2042 4666 35 लाख - 2042 466 तो मेरा पैसा फ्री हो जाएगा 14,57,534। अब बात किसकी कर ले, अब बात कर ले सबसे पहले सेविंग्स। अच्छा, इसमें दोनों ही कंडीशन में देख लेते हैं, रिकोर्स विथ रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स, ठीक जी सर, विथ रिकोर्स। और यहां क्या जाएगा, विदाउट रिकोर्स। विथ रिकोर्स का मतलब बैड डेट्स कंपनी को ही बियर करना पड़ेगा, विदाउट रिकोर्स का मतलब कंपनी का बैड डेट्स बचेगा। तो सेविंग्स देख लेते, तो सबसे पहले सेविंग्स इन इंटरेस्ट, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ सर, 1457 इतना पैसा फ्री हुआ है, 534 इंटू ओवरड्राफ्ट का रेट दिया है क्या यार, 7%, 1457 534 into 7%, तो यहां हो गया 1020 27, यहां भी इतना ही होगा 2027। इसके अलावा और किस में, सेविंग्स इन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ये तो शायद दिया हुआ है उसने, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा कितना सेव होगा ये दिया है, 40,000। यहां भी 40, आगे क्या आएगा, सेविंग्स इन बैड डेट्स, ये इंपॉर्टेंट है ना सर, ये तो सेल्स का आएगा, यस, लेकिन यहां विथ रिकोर्स में बैड डेट्स हमारे, पर बैड डेट्स 0.9% नहीं आएगा, 0.6 पर आएगा, तो ये भी तो सेविंग्स हो गया, यहां लिख लूं कि ब्रैकेट में, यस,
0.3%, यहाँ 9% की जगह अब 6% होगा, और यहाँ तो विदाउट रिकॉर्ड्स में हमारा टेंशन ही नहीं है, तो यहाँ तो पूरा की पूरा 9% सेविंग हो जाएगा। तो 13 लाख इंटू 0.3% तो 63,900 और 191,700। अब चेक कर लो कितना सेविंग्स हो रहा है, 1020,27 प्लस 40,000 प्लस 63,900, तो यहाँ सेविंग्स हो रहा है 2059,27 प्लस 40,000 प्लस 191,700 333,720। तो सेविंग्स तो हो गया, अब बात किसकी करेंगे, बात करेंगे कॉस्ट की। कॉस्ट, और कॉस्ट में भी आपको देखना पड़ेगा क्या क्या चीज बेटे, विथ रिकोर्स, और विदाउट रिकोर्स। तो सबसे पहले क्या लगेगा, सबसे पहले लगेगा फी, बोला है ना फीस, हाँ एक में 0.75% और एक में 1% फी। दो सौ 13 लाख इंटू 0.75% इंटू 1.25%, चेक कर लेते फीस कितना आ रहा है, 159,750 266,250। फीस के अलावा और क्या है, इंटरेस्ट ऑन एडवांस, एडवांस मतलब इसका, और इसका कितना परसेंटेज मिलने वाला है, एडवांस कितना परसेंट मिल रहा है, 80%, और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितना लगेगा, 2%। तो सुनो, 9% माइनस 7% की अपेक्षा मैं सीधा 2% कर लेता हूँ, देखो इंटरेस्ट ऑन एडवांस, फिर मैं बोलता अगर तो 7% तो वैसे भी लगता, तो 2% ही एक्स्ट्रा लगेगा, 2042,466 एडवांस मिलेगा कितना, 80%, और इसका कितना परसेंट, 2% एक्स्ट्रा। यहाँ क्या सिचुएशन है, 2042,466, यहाँ एडवांस कुछ अलग रेट तो नहीं दे रखा, नहीं सर सब कुछ वही है, बट इंटू 80% इंटू 2%, 2042,466 इंटू 80% इंटू 2%, तो ये आ गया 32,679, ये भी उतना ही आएगा, 32,679। देख लेते कॉस्ट कितना आ रहा है, 159,750 प्लस 32,679, तो ये आ गया बेटे 1,9,24,29,266,250 प्लस 32,679, ये आया 298,929। अब तो दो दो है, तो एक काम करते ना, ये सेविंग्स हो गया और ये हो गया कॉस्ट, तो नेट बेनिफिट निकाल सकते, नेट सेविंग्स ए माइनस बी कर देता हूँ, 205927 माइनस
2429, तो ये आ गया 13498, और यहाँ कितना 333727 माइनस 298929, ये आ गया 34798। तो क्या ज्यादा अच्छा लग रहा है आपको? फैक्टर सर्विस तो अवेल करना चाहिए, पक्का फैक्टरिंग प्रपोजल एक्सेप्ट कीजिए, पर किस में ज्यादा विदाउट रिकोर्स? तो लिख लेते हैं, फैक्टरिंग प्रपोजल नॉन रिकोर्स या विदाउट रिकोर्स शुड बी एक्सेप्टेड। अच्छा क्वेश्चन था ये, नया क्वेश्चन ऐड हुआ है, ठीक है। तो अब बेटे दो ही क्वेश्चन बचे हुए हैं और दोनों ही बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, हालांकि इतने बड़े क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते कह नहीं सकते। एक है क्वेश्चन नंबर 15 और एक है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा ईजी है, पर चलो मैं 15 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 2। पढ़ दे। हाँ सर तैयार हैं। लिखा बिन्स स्टॉक लिमिटेड मैनेज इट्स अकाउंट रिसीवेबल इंटरनली बाय इट्स सेल्स एंड क्रेडिट डिपार्टमेंट। इंटरनली मैनेजमेंट करते हैं तो इसको बोला जाता है इन हाउस मैनेजमेंट। लिखा कॉस्ट ऑफ सेल्स लेजर एडमिनिस्ट्रेशन स्टैंड एट ₹10 करोड़ एनुअली। इन हाउस मैनेजमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन जो कॉस्ट दिख रहा है वो दिख रहा है 10 करोड़। द कंपनी हैज क्रेडिट पॉलिसी ऑफ 2/10 नेट 30। अभी जो पॉलिसी है, पॉलिसी वो है 2/10 नेट 30। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि हमने लोगों को बोल रखा है, उधार दे रखा 30 दिनों के लिए, 30 डेज के लिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, अगर हम उनको एक ऑफर भी दे रहे हैं कि भैया वैसे तो 30 दिनों के लिए आप उधार ले जाइए, लेकिन अगर आप हमें 10 दिनों के अंदर पेमेंट कर दोगे तो हम 2% डिस्काउंट देंगे। फिर से क्रेडिट कितने दिनों के लिए दिया गया? 30 डेज। लेकिन आप हमें 10 दिनों में पेमेंट कर देते हो जल्दी, तो हम आपको 2% डिस्काउंट देंगे। और पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द कंपनी हैज बीन दैट ऑन एन एवरेज 40% ऑफ कस्टमर अवेल ऑफ द डिस्काउंट बाय पेइंग विथ इन 10 डेज व्हाइल द बैलेंस ऑफ द रिसीवेबल आर कलेक्टेड ऑन एन एवरेज 90 डेज आफ्टर इनवॉइस डेट। तो बोले जो 40% लोग हैं इन्होंने 10 दिनों के अंदर पेमेंट कर दिया, और जो 60% लोग हैं उन्होंने 90 दिनों के अंदर पेमेंट किया। जितने भी डेटर्स हो गए, 60% लोगों ने 10 दिनों के अंदर, सॉरी 40% लोगों ने 10 दिनों के अंदर उन्होंने डिस्काउंट अवेल कर लिया पास्ट एक्सपीरियंस, और 60% लोगों ने 90 डेज के अंदर। ठीक है, कोई इश्यू नहीं, आगे चलते। बैड डेट्स ऑफ कंपनी आर करंटली 1.5% ऑफ टोटल सेल्स। बैड डेट्स दे रखा है और बैड डेट्स कितना है? 1.5% सेल्स का ही होता है। The projected sales for the next year, this is important, sales, projected sales, कितना होने वाला? 1000 करोड़ रुपए। बिन्स स्टॉक लिमिटेड फाइनेंस इट्स इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स थ्रू अ मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट एंड ऑन लॉन्ग टर्म फंड। अच्छा, बोले जो डेटर्स में जो
डेटर्स में पैसा लगता है ना, हमारा पैसा ब्लॉक होता है। बोले वो पैसा कहाँ से आता है? तो बोले ऐसे आता है, बैंक क्रेडिट के थ्रू आता है और लॉन्ग टर्म डेट के थ्रू आता है। लॉन्ग टर्म फंड अपना खुद का है, ठीक है भाई लॉन्ग टर्म फंड ले लो, डेट लिखूंगा तो फिर अच्छा। रेशियो क्या रहेगा? बैंक क्रेडिट का रेशियो रहेगा 70% पैसा यहां से फाइनेंस होता है और 30% यहां से होता है। और रेट भी दे रखा है, बैंक क्रेडिट है 13% का रेट और ऑन लॉन्ग टर्म फंड है 15%। ठीक है, अभी ये सिचुएशन आगे चलते हैं। With escalating cost associated with the in-house management of debtors, coupled with the need to unburden the management with the tasks so as to focus on sales promotion. अब प्रॉब्लम यह है कि escalation cost का मतलब है यार पता नहीं क्या होने वाला, बढ़ने वाला है, बढ़ने वाला है या कम होने वाला, कुछ भी हो सकता है। तो बोले उस कॉस्ट की वजह से जो मैनेजमेंट है, तो हम मैनेजमेंट से ना बर्डन खत्म करना चाहते हैं। हम बोल रहे हैं ये रिसीवेबल का आप मैनेजमेंट मत कीजिए, डेटर्स का मैनेजमेंट मत कीजिए, अपना जो फोकस है ना आप सेल्स प्रमोशन पे कीजिए। द कंपनी इज एग्जामिनिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ आउटसोर्सिंग इट्स फैक्टरिंग सर्विस। आउटसोर्स करना चाहते हैं रिसीवेबल मैनेजमेंट को, फैक्टरिंग सर्विसेज फॉर मैनेजिंग इट्स रिसीवेबल एंड हैज टू प्रपोजल ऑन हैंड with a guaranteed payment within 30 days. अब इनका यह कहना है कि हम factoring proposal ले लेते हैं। Factoring proposal. और किसी भी हालत में आपको 30 days में हम debtors से collection करवा के दे देंगे। तो ये तो फायदा दिख रहा है आपको। अभी कितना है भाई debtors? अभी निकालना पड़ेगा। हाँ, पर ये 30 days हो जाएगा। ठीक है। बोले दो दो प्रपोजल है हमारे पास। अच्छा जी, कौन कौन से प्रपोजल है देखें। द मेन एलिमेंट ऑफ प्रपोजल फ्रॉम फाइन बैंक फैक्टर लिमिटेड। सबसे पहले बात हो रही है फाइन बैंक। और फाइन बैंक के साथ क्या समस्या है भाई बताओ। अब फाइन बैंक फैक्टर लिमिटेड क्या बोल रहा है? बोले हम एडवांस दे देंगे 88% एंड 84% फॉर द रिकोर्स। ओहो, इन्होंने भी दो टाइप का ऑफर दिया। बोले आप हमसे रिकोर्स बेसिस पे भी और नॉन रिकोर्स विदाउट रिकोर्स बेसिस पे भी काम करवा सकते। नॉन रिकोर्स में बैड डेट्स फैक्टर के, रिकोर्स में बैड डेट्स हमारे। ठीक है, ओके ठीक है, देखते क्या बोल रहा। बोले एडवांस देंगे हम, एडवांस भाई कितना दोगे? बोले अगर रिकोर्स है तो हम 88% देंगे और विदाउट रिकोर्स है तो हम एडवांस सिर्फ 84% ही दे पाएंगे। सिंपल सी बात है, समझना पड़ेगा आपको। यहां उनको टेंशन नहीं है बैड डेट्स का, बैड डेट्स का हमको टेंशन है। तो बोलते हैं भैया ज्यादा एडवांस ले लो, लेकिन नॉन रिकोर्स में बैड डेट्स का उनका प्रॉब्लम है, उनका प्रॉब्लम है। तो बोलते भैया हम ज्यादा एडवांस नहीं देंगे, हम सिर्फ 84% दे सकते। ठीक है जी। अच्छा, डिस्काउंट चार्जेस। डिस्काउंट चार्जेस का मतलब होता है इंटरेस्ट। डिस्काउंट चार्ज, सोच के बताना डिस्काउंट इंटरेस्ट कब ज्यादा चार्ज करेंगे। सर नॉन रिकोर्स में ज्यादा चार्ज करेंगे, रिकोर्स में थोड़ी, क्योंकि भाई सब लोगों का टेंशन भी तो है नॉन रिकोर्स में। ठीक है, तो 21% यहां लगेगा इंटरेस्ट और यहां कितना लगेगा 22%। ठीक है, और कमीशन भी पक्का वहीं ज्यादा चार्ज होगा। कमीशन, ओहो ध्यान देना ध्यान, कमीशन 4.5% पहले लिखा विदाउट रिकोर्स, मतलब इधर की बात है। वही तो मैं सोचा कहां का 4.5% और यहां जाएगा 2.5% कमीशन। आगे चलते, द मेन एलिमेंट ऑफ और एक बैंक रफ बैंक फैक्टर लिमिटेड। रफ बैंक, चलो आप भी बता दो भाई आपका क्या सिस्टम है, प्रपोजल आपका हम सुनना चाहते हैं। और उन्होंने भी दो दो टाइप से प्रपोजल दिया, रिकोर्स नॉन रिकोर्स। क्या बोल रहे साहब, एडवांस कितना दोगे ये बता दो।
एडवांस 84% रिकोर्स, नॉन रिकोर्स में तो कम ही होगा, हाँ कम ही है 80%। डिस्काउंट चार्जेस मतलब इंटरेस्ट, अपफ्रंट बोल रखा, अपफ्रंट एडवांस कोई बात, हम एडवांस बोला है तो एडवांस लेना पड़ेगा 21% विदाउट रिकोर्स, और इधर 20% पक्का, उधर ज्यादा होना ही था। और इसके अलावा कमीशन भी अपफ्रंट है, कितना है जी 3.6% इधर विदाउट, और यहां कितना 1.8%, यहां तक हो गया। आगे चलते हैं। The opinion of the chief marketing manager is that in the context of the fact or in arrangement, his staff would be able to exclusively focus on sales promotion. बोले अगर हम फैक्टरिंग की सर्विस अवेल करते हैं तो जो हमारे जो स्टाफ है उनका जो फोकस होगा वो सेल्स प्रमोशन पे होगा, और इसकी वजह से हमारा सेल्स है वो बढ़ जाएगा कितने परसेंट से, 10% से, मतलब 1000 करोड़ तो अभी है इनहाउस मैनेजमेंट में, पर बढ़ के यहाँ 1100 करोड़ हो जाएगा, ये कहना है उन लोगों का। काइंडली एडवाइस एज ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट ऑन द अल्टरनेटिव प्रपोजल, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव एंड व्हाई। मैंने कहा था बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो अब क्या काम करें, तो पहले इनहाउस मैनेजमेंट में कितना कॉस्ट लग रहा है वो देख लेते हैं, टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, ओके सर, तो यहाँ क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा, थोड़ी सी हमको ज़्यादा जगह चाहिए। इसको सर ऐसे पार्ट में कर लेते हैं जी, तो सबसे पहले इन हाउस मैनेजमेंट की दो तीन चीजों का कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, तो कैलकुलेशन में निकाल के रखता हूं। सबसे पहला हमें एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना पड़ेगा, एवरेज कलेक्शन पीरियड 10 days × 40%, 40% को 0.4 कर दूं चलेगा सर, प्लस 90 days × 0.60, 10 × 0.4 m + 90 × 0.6 m + MRC 58 days, 58 days ठीक है। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 13%, कितना परसेंट फाइनेंस होता है 13%, 70% 0.7 प्लस 15% × 0.3 13 × 0.7 15 × 0.3 13.6% कॉस्ट ऑफ कैपिटल आता, ये भी होगा। सर अब एक काम कीजिए ना, आप एवरेज डेटर्स भी निकाल लीजिए। ओके, एवरेज डेटर्स 1000 × 58 / 365 ले लेते हैं, 158.904। सर यहाँ 1000 क्यों लिया, 1100 बिट्टे मैंने कहा ना, अभी मैं बात कर रहा हूँ इनहाउस, ये तो 11 सेल्स तो तब बढ़ेगा ना जब मैं फैक्टरिंग प्रपोजल एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, अब क्या करना, अब देखते हैं कौन कौन सा कॉस्ट,
कॉस्ट ऑफ इन हाउस मैनेजमेंट। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ले लीजिए, कितना रुपए? 10 करोड़। इसके बाद बैड डेट्स ले लेते हैं, एक हजार करोड़ का 1.5%, तो मेरे ख्याल से 15 करोड़। इसके बाद क्या हो गया सर? ये हो गया, ये हो गया, और क्या बचा? डिस्काउंट भी ले लेते हैं भाई, डिस्काउंट भी तो जरा। टोटल है 1000 करोड़, 40% लोगों ने डिस्काउंट अवेल किया और उनको देना है 2%। 1000 × 40% × 2% 8 करोड़ का ये हो गया सर। इसके बाद और कुछ बता? इंटरेस्ट भी तो लेना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन फंड ब्लॉक इज ऑन डेटर्स 158.904 × 13.6% 158.904 × 13.6%, तो ये आ गया 21.61 करोड़। तो चेक करो इनहाउस मैनेजमेंट कितने का, 10 + 15 + 8 + 21.61, तो ये आ रहा बेटे 54.61 करोड़। दिस इज कॉस्ट ऑफ इनहाउस मैनेजमेंट। ठीक है यहां तक? जी सर ठीक है। अभी क्या करना? अब सुनना ध्यान से, अब ये तो हो गया, अब हम क्या करते हैं इसके बाद? अब फाइन बैंक की बात कर लेते। अगर मैं फाइन बैंक से प्रपोजल एक्सेप्ट करता हूं, फाइन बैंक, और फाइन बैंक में भी मुझे दो चीजें देखना पड़ेगा, एक विथ रिकोर्स और एक हो गया विदाउट रिकोर्स। ठीक है, तो चलो पहली बात तो कमीशन का हिसाब किताब कर लेते हैं। हाँ सर, कमीशन का हिसाब किताब वो सबसे पहले। कमीशन कितना परसेंट? 2.5%। किसका? 1100 का, याद रखना। अच्छा सर, 1100 का 2.5%, और इधर कितना जाएगा? 1100 × 4.5%, 1100 × 2.5%, 27.5%, और 1100 × 4.5%, 49.50। ठीक है, कमीशन ओके सर। सर कमीशन तो हो गया, अब बचा क्या? बस डिस्काउंट चार्ज बचा हुआ। अब बस इसको ध्यान से समझना, काम खत्म हो जाएगा। डिस्काउंट चार्ज मतलब इंटरेस्ट। अब सुनना ध्यान सर, क्या करोगे बेटे? पहले तो निकालो एवरेज डेटर्स, 1100 × बताओ बेटे, फैक्टरिंग प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं तो 30 डेज, 30 / 365 लेना है ना? यस, 365, 1100 × 30 / 365, इतना एडवांस, इतना आ रहा है मेरा एवरेज डेटर्स, पर इसमें कमीशन अपफ्रंट है तो मुझे कमीशन तो माइनस करना पड़ेगा। तो सर कमीशन 27.5 माइनस करूंगा? नहीं भाई नहीं, अभी मैं पूरे का नहीं ले रहा हूं, अभी मैं डेटर्स पे कमीशन निकालूंगा। मेरी बात समझ? या तो 1100 में से ये माइनस कर दो, फिर 30 / 365 कर देना। मैं कह रहा हूं जैसा हम कर रहे थे ना इफेक्टिव कॉस्ट निकालते समय, पहले मैंने ये निकाला एवरेज डेटर्स,
इसमें से मैं कमीशन माइनस करूंगा। कमीशन कितना माइनस करूंगा? 2.5%। सर किसका? ये वाला नहीं, एवरेज डेटर्स का 2.5%। ठीक है, आप यहां फिगर में लिख सकते हो जो निकलेगा उसका माइनस कर देंगे 2.5%। ठीक है सर, आगे क्या चक्कर है? आगे ये निकल गया मेरा, और इसका मुझे कितना परसेंट मिलेगा? इसका एडवांस मिलेगा 80%। ठीक है, ओके सर, और इस पे इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाएगा? इस पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 21%। ठीक है, 1100 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 365, माइनस कर देंगे 2.5%, इसका मिलेगा हमको 80% नहीं, 88%, और इस पे इंटरेस्ट लगेगा 21%। तो इस पे इंटरेस्ट कितना लगेगा? 16. ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, सर इसका क्या होगा जरा बताना, सुना ध्यान से फिर से। 1100 इंटू पीरियड कितना हो जाएगा? 30 डिवाइडेड बाय 360, 360 मतलब 365, और यहां जो कमीशन कटेगा वो कटेगा 4.5%, माइनस 4.5%। जो आएगा उसका कितना परसेंट एडवांस मिलेगा? 84%, और उस पे इंटरेस्ट लगेगा 22%। 1100 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 365, ये आया डेटर्स, और इसी पे कमीशन देना पड़ेगा माइनस 4.5%। इसका एडवांस मिलेगा इंटू 84%, और इस पे इंटरेस्ट लगेगा 22%। तो ये आ गया 15.96। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है पर आपको देखना तो पड़ेगा। ये कमीशन आया और ये आया हमारा इंटरेस्ट। किसको इंटरेस्ट देना है? फैक्टर्स को इंटरेस्ट देना। और एक चीज बच्चा, बात ये है कि 1100 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 365, ठीक से सुनना, 1100 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 365, तो एवरेज डेटर्स आ रहा हमारा जो पैसा ब्लॉक हो रहा है वो हो रहा है 90.41। पर क्या मुझे फैक्टर्स पूरा एडवांस दे रहा? नहीं, तो 90.41 में से जितना फैक्टर एडवांस दे रहा ठीक है, बचा हुआ पैसा तो कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करना पड़ेगा। समझाता हूं, ये हो गया, ये हो गया। अब मैं बात किसकी कर रहा हूं? इंटरेस्ट। कौन कौन सा? रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स। ये बात सुनना पड़ेगा आपको, बिल्कुल ध्यान से समझ। मैंने कहा 1100 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 365। सुनोगे? बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ रहा, बस आप ध्यान से सुना। 1100 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 365। तो सर एवरेज डेटर से 90.41, पर मुझे एडवांस कितना मिल रहा? मुझे मिल रहा है 1100 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 365 माइनस 2.5% इंटू 88%। तो मुझे जो एडवांस मिला वो मिला 77.52 करोड़। ठीक है, ओके सर। तो वो जो एक्स्ट्रा और मेरा पैसा, इतना तो एडवांस मिल गया पर और भी तो पैसा ब्लॉक हुआ, तो वो पैसों का अरेंजमेंट कहां से होगा? तो वो तो अपने घर से ही होगा। अब दो ऑप्शन, या तो बैंक ओडी या तो लॉन्ग टर्म फंड। अब भाई आपने ज्यादातर फंड, अब सर कौन सा ले, बैंक ओडी वाला ले कि लॉन्ग टर्म ऑन फंड ले? ऑन फंड। तो पहली बात कि आपने क्वेश्चन में एजम्पशन ले रखा है कि अधिकतर यहां जो पैसा है वो आपने शॉर्ट टर्म से तो ले ही रखा है, मतलब 70% आपने 13% के हिसाब से ले रखा है,
ये कौन सा है, शॉर्ट टर्म है ना, बैंक क्रेडिट। तो बोले ये फैक्टरिंग प्रपोजल भी तो शॉर्ट टर्म है, तो शॉर्ट टर्म के बेसिस पे तो काम कर ही चुके, अधिकतर फंड का अरेंजमेंट आपने शॉर्ट टर्म फाइनेंस से ही किया है। तो अब जो बचा हुआ पैसा है आप लॉन्ग टर्म फंड यूज करोगे और आपको 15% इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। इसका कितना परसेंट, 15%। तो 90.41 माइनस 77.52 इंटू 15% इंटरेस्ट, इसका मतलब 1.94 यहां जाएगा। 93 है, 93 ले लेते सर। यहां भी ऐसा होगा, 90.41 बनता है कैसे, 1100 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 365। पर हमें मिला कितना, 1100 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 365 माइनस 4.5% इंटू 84%, हमें मिला है एडवांस 72.53। इतना एडवांस मिल गया और बचा हुआ पैसा, ये तो शॉर्ट टर्म से अरेंज हो गया, तो बचा हुआ पैसा लॉन्ग टर्म से ही होगा 15%, क्योंकि यार 70% तो आपने शॉर्ट टर्म से कर ही दिया, 70% से ज्यादा अधिकतर बोला है तो 30%। ये कहां लिखा है, पीएम ने यूज किया इसी तरह से, तो 15% के हिसाब से फाइनेंस होगा। 90.41 माइनस 72.53 इंटू 15%, तो ये ले लेते 2.68 आया। ठीक है, अब जोड़ दो बेटे कॉस्ट कितना पड़ा। फाइन बैंक 27.50 क्या हो गया, कमीशन। इंटरेस्ट देना पड़ रहा है किसको, फैक्टरिंग को, 16.29। और बचे हुए पैसों का अरेंजमेंट लॉन्ग टर्म फंड से जिसपे इंटरेस्ट आ रहा 1.93। सबको जोड़ देते हैं, 27.50 प्लस 16.29 प्लस 1.93, तो ये आ गया 45.72 कॉस्ट। इधर भी देख लेते हैं, 49.50 प्लस 15.96 प्लस 2.68, तो ये आ गया 68.14। ठीक है, अब कुछ नहीं है, अब सेविंग्स देख लेते हैं और कॉस्ट देख लेते हैं, रिकोर्स नॉन रिकोर्स। सेविंग्स इन इन हाउस मैनेजमेंट कॉस्ट, रिकोर्स का मतलब बैड डेट्स हमारे, तो ये इन हाउस मैनेजमेंट कॉस्ट है 54.61। अगर मैं फैक्टरिंग प्रपोजल एक्सेप्ट करता हूं तो ये पैसा बच जाएगा, लेकिन बैड डेट्स नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि रिकोर्स है, रिकोर्स में बैड डेट्स हम ही बियर करते हैं। मतलब कितना आएगा, 54.61 में से हम 15 यूज नहीं करेंगे, मतलब सेविंग्स कितने की होगी, 39.61 की। लेकिन अगर हम नॉन रिकोर्स बेसिस पे करते तो हमारा पूरा पैसा बचेगा 54.61। और कॉस्ट कितना पड़ रहा, ये पड़ा है 45.72 और ये पड़ा 68.14। नेट सेविंग या नेट बेनिफिट निकाल लीजिए, नेट सेविंग्स 39.61 के सेविंग्स से माइनस 45.72 कॉस्ट पड़ रहा है, तो यहां तो लॉस हो रहा है 6.11 का। 54.61 सेविंग्स है माइनस 68.14 और यहां भी लॉस हो रहा है 13.53 का। तो फाइन बैंक तो बिल्कुल आप रिकोर्स के बेसिस पे करो, विदाउट रिकोर्स करो फाइन बैंक अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है, दोनों ही कंडीशन में आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, तो फाइन बैंक का प्रपोजल तो हम वैसे ही रिजेक्ट कर देंगे। अब किसकी बात हो गई है, रफ, तो रफ बैंक की बात कर लेती हूं, मैं रफ कर दे रहा हूं। हाँ सर, कर दीजिए बिल्कुल, ओके। अब बात किसकी करते,
अब बात करते हैं रफ बैंक, सेम काम वो ही करना है जो किया था, चाहो तो आप स्टार्ट भी कर सकते हैं। रफ बैंक का प्रपोजल देखते हैं क्या सिचुएशन। चलो भाई स्टार्ट कर रहे हैं, ये वाला काम हो चुका, हम इस पे फोकस कर रहे हैं, इस पे। तो सर पहले तो ले लीजिए आप कमीशन, बिल्कुल कमीशन। कमीशन किस पे लगेगा भाई? 1100 का 1.8%। और इधर भी 1100 इंटू 3.6%, 1100 इंटू 1.8%, 19.8। और 1100 इंटू 3.6%, 39.60। अब किसकी बात हो रहती है? डिस्काउंटिंग चार्जेस कैसे लिया जाएगा? 1100 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 365 माइनस क्या होगा? कमीशन अपफ्रंट है मतलब 1.8%, इसका कितना परसेंट एडवांस मिलेगा? 84%, यस 84%। और इंटरेस्ट कितना लगेगा? 20%। 1100 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 365 माइनस 1.8% इंटू 84% इंटू 20% इंटरेस्ट, तो ये आ गया 14.9192 ले लो। ठीक, यहाँ 1100 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 365 कमीशन कटेगा 3.6%, जो भी आएगा एडवांस कितना? 80%। और उस पे इंटरेस्ट आ जाएगा 21%। 1100 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 365 माइनस 3.6% इंटू 80% इंटू 21% 14.64, ये हो गया। अब बचे हुए पोर्शन के लिए इंटरेस्ट जैसे अभी निकला था वैसे यहां भी हो जाएगा। ग्यारह सौ इंटू थर्टी डिवाइडेड बाय थ्री सिक्सटी एवरेज डेटर्स कितने हैं? 90.41 माइनस एडवांस कितना मिल रहा? 1100 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 365 माइनस 1.8% इंटू 84% एडवांस मिला है 74.58। और इस पे इंटरेस्ट कितना? लॉन्ग टर्म फंड 15%। ठीक, ये कर लेते हैं 90.41 माइनस 1100 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 365 माइनस 3.6% कमीशन काटने के बाद कितना? 80% एडवांस मिला, 69.72। और इसका इंटरेस्ट आ जाएगा 15%, निकाल लेते 90.41 माइनस 74.58 इंटू 15% इंटरेस्ट आ गया 2.37। 90.41 माइनस 69.72 इंटू 15% 3.10। चेक करो अब टोटल कॉस्ट कितना पड़ा? 19.80 प्लस 14.92 प्लस 2.37 37.09 39.60 प्लस 14.64 प्लस 3.10 57.34। बस अब हम यहां काम कर लेते हैं, दैट्स इट। सेविंग इन इन हाउस मैनेजमेंट रिकोर्स मतलब 15 को हटा देना,
हमारा ये पैसा नहीं बचेगा, इसके अलावा सब बचेगा, मतलब वही हुआ 54.61 माइनस क्या कर दो 15, तो हमारा बचेगा 39.61 और नॉन रिकॉर्ड्स में पूरा की पूरा बच जाएगा। लेकिन कॉस्ट भी तो पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ फैक्टर यहाँ 37.09 और यहाँ 57.34। नेट सेविंग्स निकाल लेते, नेट बेनिफिट, नेट 39.61 का सेविंग्स है माइनस 37.09 का कॉस्ट है, तो यहाँ बचेगा 2.52। 54.61 का कॉस्ट है माइनस 57.34 का सेविंग्स है, तो यहाँ लॉस हो रहा है 2.73। तो सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, क्या अच्छा है अभी तक एक ही अच्छा है कि आप रफ बैंक से बात कीजिए और वो भी रिकोर्स बेसिस पे बात कीजिए। तो लिखते हैं फैक्टरिंग प्रपोजल विथ रफ बैंक, ऑन अ रिकोर्स बेसिस should be accepted। तो ये क्वेश्चन था, इतना बड़ा क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 15। थैंक यू। अब देखा जाए तो एक क्वेश्चन नंबर 16 बचा हुआ है और 16 भी इसी के जैसा है, बस बात खत्म। हाँ, उसको 16 तो ज्यादा इजी है, उसकी वजह इसमें दो दो बैंक थी और 16 में एक ही बैंक है, उसमें भी रिकोर्स नॉन रिकोर्स है, उसमें वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो दिया हुआ, सुनो ध्यान से, उसमें जीपी रेशियो दे रखा है उस क्वेश्चन में। तो आपको मैंने बताया था, जब भी वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दे रखा रहा है तो फंड जो ब्लॉकेज होगा वो पूरे पे नहीं होगा, वो 80% पे होगा। खैर, ये होमवर्क है और इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दे देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 का मैं आपको सॉल्यूशन दे देता हूँ, टेंशन खत्म हो जाएगा आपका। ओके, तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बुक के साथ ही दे देता हूँ और फिर हमारा ये सारी चीज़ें खत्म हो गई है, फैक्टरिंग खत्म हो गई। थैंक यू। दो कॉन्सेप्ट है, दोनों ही अच्छे से करो।